और बाकी लोग वीडियोस ऑन कर लो, हीरो हीरोइंस कम ऑन। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री। पार्टनरशिप अग्रीमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ हाफ वन फोर्थ एंड वन फोर्थ। व्हाट इज हाफ वन फोर्थ वन फोर्थ? आई थिंक इट इज 2:1:1। एंड हुज फिक्स्ड कैपिटल्स आर 10,000, 6,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली provides as follows. Point number A, that the partners be allowed interest at the rate of 10% per annum on their fixed capitals, but no interest be allowed on undrawn profits or charged on drawings. Basically, drawings of current account, undrawn profits, no interest, only interest on capital at 10%. Point number two, that upon the death of a partner, the goodwill of the firm do that, goodwill ka valuation de diya, 2 years purchase of the average net profits after charging interest on capital for the 3 years to 31st December preceding the date of death of the partner. Once again, you read that upon the death of a partner, goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of the average net profit. Now, 2 years purchase of average net profit of last 3 years. But वो profits should be after charging interest on capital. Obviously, the final profits to 31st December preceding the death of the partner. मतलब अगर आपके partner का death 6 June 2016 में हुआ है, तो आपको goodwill के लिए कौन से 3 साल का profit लेना है? 14, 15, 16 या 13, 14, 15? तो you will take 13, 14 and 15. Did you get the meaning of that statement? 3 years preceding the death of the partner. मतलब 15 वाला जो recent year है उसमें वहां तक है, 16 नहीं लेना। Then that an insurance policy of 10,000 each to be taken in individual names of each partner, the premium is to be charged against the profit of the firm. So are they talking about joint life policy या individual life? Individual life policy. बराबर है? दस 10,000, 10,000, 10,000 तीनों partner का individual life policy है, and the premium is charged against expense. So can you tell me which method are they using? Expense method or asset method? Expense. So if the premium is charged against expense, then whatever claim you get will be treated as income. The claim you get will be treated as income. Okay, so A, B, C तीन partner हैं, तीनों में से I think who died, ये तो आया नहीं अभी तक, आगे आएगा, ठीक है। A died, नीचे एक line पे दिख रहा है A died. तो क्या होता है death के वक्त, याद है आपको? Death के वक्त what do we do? जो मर जाता है उसका what do? क्लेम या सरेंडर वैल्यू? क्लेम। मर जाता है उसका क्लेम वैल्यू मिलता है, और जो बचे हुए होते हैं उनका क्या होता है, उनका पॉलिसी क्या होता है? रिटेन होता है ना, रिटेन होता है या फिर सरेंडर वैल्यू पे सेल हो जाता है, बराबर है? तो रिटायरमेंट में दोनों ऑप्शन है अपने पास, रिटेन भी कर सकते हो, सरेंडर भी कर सकते हो, योर चॉइस, कंटिन्यू करना है तो। डेथ के केस में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डेथ के केस में बहुत रेयरली दे विल कंटिन्यू बाय कॉम्पेंसेटिंग द डेड पार्टनर, बट डेथ के केस में हमेशा और हमेशा जो डेड पार्टनर होता है उसका क्लेम आ जाएगा, बट जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना वो लोग भी अपना क्या करेंगे, पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे, क्योंकि उसमें भी वो डेड पार्टनर को हिस्सा देने का है। ओके, रिटायरमेंट में भी ऐसा ही होता है, तीनों का सरेंडर होता है नॉर्मली, बट अगर पार्टनर को चाहिए कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, दो पार्टनर रीवैल्यू करके डेड पार्टनर को उसका शेयर देके कंटिन्यू कर सकते हैं, बट रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होगा। रिटायरमेंट में आपको तीनों, या तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो पूरा क्लेम आ जाएगा, या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है तो एक का क्लेम आएगा और दो का क्या आएगा, आपका सरेंडर वैल्यू आ जाएगा, दो का सरेंडर वैल्यू आ जाएगा। ओके,
वेदर और नॉट स्पेसिफाइड, डेथ में तो आपको सरेंडर करना है, पैसा लेना ही है क्योंकि डेड पार्टनर को देना है, लीगल हेयर को पैसा देना है. ओके, रिवैल्यूएशन बहुत स्पेसिफाई करके दिया तो करना, अदरवाइज सरेंडर एंड टेक द मनी डेथ के केस में. इज दैट क्लियर? तो इन दिस केस आपके तीन पॉलिसीज हैं, तो तीनों पॉलिसीज में ईच ऑफ द पॉलिसी विल यू गेट 10 10 10 ऑन ईच ऑफ द थ्री पॉलिसीज? नो. आपको ए का क्लेम मिलेगा 10,000, लेकिन बी और सी का कौन सा वैल्यू मिलेगा? सरेंडर. सरेंडर, समझो इसका सरेंडर मिला आपको 5,000 रुपए, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 20,000. ये 20,000 क्या पूरा ए को जाना चाहिए कि बी और सी को जाना चाहिए कि कैसे जाना चाहिए? तीनों को जाना. ये तीनों को जाना चाहिए, ये ए बी सी तीनों को जाना चाहिए. इन विच रेशियो? इन योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Remember this, we discussed about joint life policy. चाहे वो joint life policy हो या चाहे वो individual life policy हो, जो भी पैसा आपको policy से आ रहा है, चाहे वो surrender value हो, चाहे वो claim value हो, जो भी आ रहा है, total करना है और तीनों में करना है in the PSR. ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि जो मर गया उसको ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. Okay? They can have internal agreement with to that respect also, but in the absence of anything given, you always assume that everything will be given to all the three partners in your profit sharing ratio. Now, so that an insurance policy be taken, मतलब ये agreement provided था कि तीनों को policy लेनी पड़ेगी जो उन्होंने ली होगी, और पूरा का पूरा premium ये लोग ने debit कर लिया होगा PNL में. Expense method है, तो जितना मलाई मिलेगा अभी claim का या जितना surrender value आएगा, that will be treated as your income, entirely it will be your income. Then, upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profits, interest on capitals, etc., calculated upon 31st December following his death. ये थोड़ा अतरंगी क्लॉज डाला हुआ है, एकदम ध्यान से पढ़ो अग्रीमेंट. Upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profits, interest on capital, etc., calculated upon 31st December following his death. इस स्टेटमेंट का मतलब कोई बता सकता है? Year ending 31st December लेना. वो तो है ही, ऊपर भी दिया है 3 साल 31st December ended. ये पर्टिकुलर पॉइंट का मीनिंग क्या बोल रहा है? नॉर्मली जो डेड पार्टनर होता है उसको हम कब तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं या कब तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं? जब तक उसने काम किया. जब तक उसने काम किया तब तक का. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या दिया है? द शेयर अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अपॉन 31st डिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ. मतलब वो जिस साल में गया, समझो वो 2016 में गया 6 जून, तो हम लोग 6 जून तक का नहीं देंगे उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसको उस साल खत्म होने तक 31st दिसंबर अपॉन 31st दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ, मतलब 31st दिसंबर 2016 तक का प्रॉफिट में उसको शेयर मिल जाएगा, एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा. मतलब इररिस्पेक्टिव वो साल में मर जाए, उसको पूरे साल का शेयर ऑफ प्रॉफिट और पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा. नॉर्मली अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हर एक समय होता है अप टू इस डेट ऑफ डेथ, अप टू इस डेट ऑफ डेथ. ये एक पर्टिकुलर क्लॉज है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. ओके, क्या दिया? अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड प्रॉफिट इंटरेस्ट का कैलकुलेट अपॉन 31st दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ. डेथ होने के बाद भी जो 31st दिसंबर आ रहा है वहां तक का उसको शेयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. इज इट क्लियर? तो व्हाई वुड अ पार्टनरशिप डू दैट? दे कैन, अगर उनको लगता है कि नॉमिनल है और ज्यादा कुछ वो मरे तो उसको कुछ निचोड़ना नहीं है, 3-4 महीने का प्रोपोर्शनेट की जगह थोड़ा चैरिटी टाइप का भी, ग्रेट्यूटी टाइप का भी उसको मिलना चाहिए, तो दे कैन पुट दिस क्लॉज. ओके, इन फैक्ट मेनी पार्टनरशिप फर्म्स डू दिस. ओके, ईयर ऑफ डेथ में भले ही वो कौन से भी महीने में एक्सपायर हो जाए उसको दे देते हैं मिलना, क्योंकि डेथ है ना अभी यार, तो उसका ज्यादा जरूरत रहता है, शॉक भी रहता है थोड़ा फैमिली को, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दिया. ओके, जस्ट फॉर द ईयर ऑफ डेथ. दैट
द शेयर ऑफ द पार्टनरशिप पॉलिसी, पॉइंट नंबर ई में दिया है दैट द शेयर ऑफ द पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर एज ऑन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ. मतलब शेयर ऑफ जो पॉलिसी और जो गुडविल है वो भी 31 दिसंबर को उसको, मतलब सब कुछ 31 दिसंबर तक का ही करना है अपने को कैलकुलेट इस सम में, कभी भी जाए वो. दैट द पार्टनरशिप बुक्स बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31st December. ए डाइड ऑन 30th September 2016. वो गया 30th September 2016. मतलब आई थिंक प्रीवियस डेट ऑफ बैलेंस शीट के कितने महीने बाद गया वो? How many months after the previous date of balance sheet did he die? Seven. 9 months? 31st December से 30th September, 9 महीने होते हैं. 9 महीने के बाद वो मरा है, लेकिन उसकी जो विधि विधान अपने को करना है वो 30th September को नहीं करना है, 31st December को करना है. मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके. ये अतरंगी क्वेश्चन है थोड़ा, क्लॉजेस बहुत दिए हुए हैं पार्टनरशिप फॉर्म के. नॉर्मली अपने को ये सब क्लॉजेस नहीं होते, तो हम लोग चुपचाप ईयर एंडिंग तक प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल और ईयर डेट ऑफ डेथ तक का बैलेंस शीट, उसके बाद का बैलेंस शीट बना के रख देते हैं. स्पेसिफाई करके दिया है तो अपने को वो सब ध्यान रखना पड़ेगा. पहले तो फॉर्मेलिटी एंड ऑल 30th September को नहीं करनी है, 31st December को करनी है, नंबर वन. नंबर टू, उसको जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है या जो भी शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो सब ईयर एंडिंग तक का देना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपॉन 31st December following his death. And उसके बाद दिया है, he died on 30th September. The amount standing to the credit in his current account on 31st December 2015 was 450 rupees. And from that date to the date of death, he had withdrawn 3000 from business. ये दो आइटम्स का मीनिंग क्या है? 450 और 3000 क्या है? What are these 450 rupees and 3000 rupees? Can you tell me? On 30th September 2016, the amount standing to his credit in his current account on 31st December 15 was 450, and from that date to the date of death, he had withdrawn 3000 from the business. Drawing. That is drawing. 3000 is drawings. 3000 uska date of death tak ka hi drawings. Usko pure saal ka mat le lena. Drawings uska date of death tak ka hi, utna hi drawings gina jayega na, obviously. Uske baad to drawings possible nahi hai. एंड करंट अकाउंट बैलेंस दिया आपको 31st December 15, मतलब इस सम में खाली करंट है कि करंट कैपिटल दोनों है? और याद है आप लोग करंट और कैपिटल दोनों बनाते तो ऑल द एडजस्टमेंट यू आर सपोज टू डू इन विच अकाउंट? करंट. लेकिन डेथ के वक्त, देखो रिटायरमेंट एडमिशन के वक्त करंट कैपिटल दोनों आता था तो दोनों के बैलेंस जाते. बट डेथ के वक्त अगर किसी का करंट और कैपिटल दोनों है, दिमाग लगाओ कैसे बंद करना है. करंट का बैलेंस कैपिटल में, करंट का बैलेंस कैपिटल में, और कैपिटल का जाएगा लीगल है या एग्जीक्यूटर लोन में, लॉजिकल है. डिसॉल्व करते थे तब याद है, करते थे डिसॉल्यूशन में हम लोग, डिसॉल्यूशन में पूरा बिजनेस बंद होता था तो करंट यूज टू गो टू कैपिटल एंड कैपिटल यूज टू गो टू बैंक. यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो रहा है बिजनेस, एक बंदे का खाली अकाउंट बन रहा है करंट और कैपिटल, देयर इज डेड पार्टनर. वो करंट जाएगा कैपिटल में और कैपिटल जाएगा आपका डिसीज्ड पार्टनर लीगल हेयर लोन में. तो करंट भी है वो ध्यान रखना. ऑल अदर चेंजेस विल बी डूइंग इन करंट. एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 2000 वाज डिस्कवर्ड ऑन 30th September 2016. इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड बी इमीडिएटली पेड ऑफ. ये इसका मतलब कोई बता सकता है क्या बोलना चाह रहे हैं? Unrecorded liability of 2000 was discovered on 30th September. It was decided to record it and to immediately pay it off. What is this 2000 rupees? Bolo. Reval debit. Reval. Unrecorded liability. Reval ka part hai. Samajh mein aaya sabko? Revaluation है 2000, 30th September. किसको जाएगा वो? तीनों पार्टनर को जाएगा इन PSR. एक ही आइटम है रिवैल का. The trading results of the firm before charging interest on capital. Mind you, ऊपर क्या दिया था अपने को? पार्टनर को कौन सा प्रॉफिट में शेयर देना है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिफोर?
आफ्टर चार्जिंग, लेकिन यहाँ पे अपने को ट्रेडिंग रिजल्ट दिया है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन एज़ फॉलोज़ 2013 14 15 16 चार साल का दिया हुआ है. Assuming surrender value of the policy to be 20% of the sum assured. Assuming surrender value is 20% of the sum assured. 20% of the sum assured का मतलब क्या? 10,000 का 20%. तो मैंने यह जो 5-5 लिया हुआ है, ये basically आपको कितना मिलेगा? 2,000. मतलब आपको टोटल सरेंडर वैल्यू मिलेगा कितना? तो 14,000 तीनों में बटेगा ए बी और सी. ये मतलब हुआ, ये समझ आई बात आपको? तो डेथ के वक्त तो दे वोंट स्पेसिफाई ओनली के रीवैल्यू कर रहे हो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं दिया तो सरेंडर, बेचो पैसा लो खत्म करो. ओके, रिटायरमेंट के वक्त इट इज पॉसिबल, आइदर यू कैन सरेंडर और यू कैन रीवैल्यू योर विश, गुड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. तो अभी करना क्या, आप लोग बना दे पूरा सम. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक की इंडिविजुअल पॉलिसी थी तो उसको क्लेम मिल दे दे और बाकी डिवाइड करे. नो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी हो, तीनों को जाना चाहिए रिस्पेक्टिवली इन द पीएसआर, ऑलवेज इन द पीएसआर. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग. इसमें अपने को क्या बनाने का कुछ दिया नहीं है. ओके, सो वी वोंट बी एबल टू डू एक्चुअली पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड. एक दो एंट्रीज ही हैं, एसेट्स लायबिलिटीज भी नहीं दिया बैलेंस शीट का. सो व्हाट ऑल थिंग्स यू आर सपोज टू डू, एक्चुअली दे शुड स्पेसिफाई. उधर चाहिए तो लिख लो, डेड पार्टनर कैपिटल एंड करंट, डेड कैपिटल एंड करंट and working notes. Dead partner capital and current and working notes. Full fledged possible नहीं है, balance sheet and all यहाँ पे. Dead partner capital current and working notes. So one by one we'll do it. एक एक breakup करके करते हैं. दो accounts बना लो dead partner का पहले, तो current account and capital account. Just make the dead partner current and capital. तीनों partner का भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ खास है नहीं उसमें, खाली balance ही है. Current का balance भी नहीं दिया बाकी तीन partner का. Just a second. This will be your current account and this will be your capital account. A is current and A is capital. तीनों का कर सकते थे लेकिन करंट का बैलेंस नहीं है, कैपिटल का एक खाली बैलेंस दिया और एक ही एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और एक रिवैल की है. ऐसे सम्स में व्हेन यू गिव दे गिव यू सो मेनी डिटेल्स, इट इज मेनली रिलेटेड टू द डेथ. अगर नहीं भी दिया तो यू कैन गो फॉर दिस. ओके, डेड पार्टनर करंट एंड कैपिटल जो हम लोग करते थे ना पार्ट प्रॉब्लम शुरू में, एंड द वर्किंग नोट्स जो अपने को बनाने पड़ेंगे अलग अलग. So let's begin with the opening balance. What is the opening balance of A's current? 450 rupees. So buy balance BD 450. And remember, ये सब चीजें कब हो रही हैं? 30th September की 30th 31st December. 31st December. Year end पे करते हैं, ठीक है? Year end पे. वहाँ पे दिया हुआ था ये सब चीजें year end पे होंगी. Point number D में दिया हुआ है. तो सबका कैपिटल नहीं बनाना, सबका नहीं बनाना, सबके कैपिटल के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं डिटेल्स एंड ऑल. जस्ट मेक डेड पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल, जस्ट मेक डेड पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल. बाय बैलेंस बीडी दैट्स 450. व्हाट इज द बैलेंस इन एज कैपिटल? 10,000 रुपीज ऊपर दिया हुआ है. Fixed capitals are 10, 6 and 4. Can you all see that? Fixed capitals are 10, 6, 4. So, dono balance likh diya. Then you check for accumulated reserves and losses. Do you have any accumulated reserves or losses? Kuch dikh rahe hain aapko sum mein? Kuch nahi hai.
होता तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, इसको शेयर दे देते. तीसरा उसको हमें देना है गुडविल, राइट? सो लेट्स मूव टू गुडविल. गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर बी में दिया हुआ है. बिफोर बॉम्बे अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 3 years टू 31st December प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर. अभी अपने को प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ है, 4 साल है 13, 14, 15 and 16. वी आर सपोज टू डू इट फॉर विच ईयर्स? गुडविल के लिए कौन से साल लेने हैं? 13, 14, 15 देने. तो लेट्स मेक अ स्मॉल वर्किंग नोट. गुडविल, गुडविल के लिए हमें लेने हैं ईयर्स, और ये हो गए प्रॉफिट्स. ईयर्स आर 2013, 14 एंड 15. ओके, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ दिया हुआ है. तो सक्सीडिंग द डेट ऑफ डेथ या विथ द डेट ऑफ डेथ दिया होता तो हम लोग 14, 15, 16 को भी ले लेते. ओके, बट यहाँ पे प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ है तो 13, 14, 15 तक जाने का नॉर्मल अजम्पशन भी यही होता है. अगर सम में कुछ नहीं दिया है तो प्रीसीडिंग ही लेते हम लोग. दैट कम्स टू 9640, 6720. देयर इज अ लॉस ऑफ 640. देयर इज अ लॉस ऑफ 640. ये प्रॉफिट्स, आर दिस प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इज अ बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू फ्रॉम दिस प्रॉफिट्स? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आई एम जस्ट शोइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आई जस्ट मेक अ स्मॉल नोट फॉर दैट. व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तीनों पार्टनर्स हैं ए बी सी. ए का होना चाहिए 10,000 पे, और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए में फॉर 12 months. तीनों साल का 12-12 महीने का रहेगा ऑब्वियसली, तो इसका 1,000. बी का होना चाहिए 6,000 पे 10% फॉर 12 months, दैट इज 600. और सी का होना चाहिए 4,000 पे 10% फॉर 12 months, that is 400. So what is my total interest on capital for each year? Should be 2000 rupees, agree? 2000 rupees is my total interest on capital. All of you got that? Okay, so interest on capital, तीनों साल में minus करना है, year 1, 2 and 3. अभी एक thought आता है कभी, ये थर्ड ईयर में तो लॉस था तो कैसे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. अगर आपको याद होगा इंट्रो टू पार्टनरशिप में बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट्स के केस में ही जाता है. सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाले जो आइटम होते हैं वो प्रॉफिट के केस में ही होते हैं, लॉस में नहीं होते हैं. बट अग्रीमेंट में है देना है लॉस में, प्रॉफिट में कुछ भी हो तो दे देने का. तो अपने को इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, अपने को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखेगा तो सब में ही माइनस करना है. अज्यूम करना है प्रॉफिट लॉस सब में वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे, दे रहे थे पार्टनर को दिखा. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्ट्रैक्ट करो तो गेट प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. व्हाट इज योर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इट इज 7640, 4720 एंड माइनस 2640. Minus 2640. Can you tell me the total of this? 12,300. 9720. And then we need to go for average. यही अपना आ गया profits. इसके basis पे we'll take average profits for 3 years. That is 9720 divided by 3. That comes to how much? 3240. And goodwill is equal to what? 2 years purchase. So total goodwill is equal to 2 years purchase of the average profits, which is 6480. Right? इसमें कोई गया है
ए गया है, एज शेयर इज व्हाट 6480 का 2/4 व्हिच इज अगेन 3240। अभी अपने को न्यू रेशियो के बारे में, गेन रेशियो के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वी अज्यूम व्हाट OR इक्वल टू SR इक्वल टू GR, तो यही GR है यही SR है, इसी में डिवाइड हो जाएगा बिटवीन बी एंड सी विच इज व्हाट 1:1, तो 1620 1620, बी सी टू ए विल बी योर एंट्री फॉर गुडविल। एक चीज अलग थी गुडविल में, इट वाज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने आफ्टर चार्जिंग का प्रॉफिट्स ढूंढ लिया। प्रीसीडिंग थ्री इयर्स था, 13 14 एंड 15 का ढूंढा, कंफर्टेबल, यू गॉट द गुडविल। तो गुडविल का एंट्री, हाँ बोलो, इसमें गुडविल का एंट्री क्या आएगा, बेस कैप सीज कैप टू एज करंट? नहीं नहीं नहीं, बेस करंट सीज करंट टू एज करंट। अच्छा, करंट से ही जाएगा ना, जब तक करंट है ऑल द चेंजेस इन करंट, तो इसका जर्नल एंट्री होगा बी करंट सी करंट टू ए करंट, बी करंट सी करंट टू ए करंट, ओके, बी करंट सी करंट 1620 1620 एंड 3240। तो इधर करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या आएगा आपका, ए करंट में जाएगा बाय बी करंट बाय सी करंट, this is your share of goodwill 1620 1620, story over for goodwill। डेड पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, उसका कैपिटल मिलना चाहिए, करंट अभी है तो करंट मिलना चाहिए, शेयर ऑफ रिजर्व या लॉसेस वो मिलना चाहिए, फिर गुडविल का शेयर वो मिलना चाहिए, दे दिया, और एक चीज और दो चीज रादर बाकी है उसको देने की। एक और चीज क्या हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अभी यहाँ पे, बोलो, पीएनएल सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर वो एडमिशन में नरक शरद वाला जो था उसमें कैपिटल लिया था ना हमने, गुडविल में करंट और कैपिटल दोनों था, करंट और कैपिटल दोनों था, तो उसमें क्या लिया था हमने, कैपिटल टू करंट ऐसा कुछ लिया था? नहीं नहीं नहीं, वो तो एडमिशन में क्या हुआ था, पार्टनर पहले कैपिटल लाया था नरद शरद वाले सम में, पार्टनर कैपिटल लाया सपोज 50,000, उसमें से 20 गुडविल 30 कैपिटल, तो फिर हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश टू सपोज न्यू पार्टनर वाज वरद आई थिंक नरद शरद, कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल 50,000, वरद कैपिटल, कैश टू वरद कैपिटल 50, उसमें 20 वाज गुडविल, तो हम लोग क्या करते हैं, वरद कैपिटल, कैपिटल में से गुडविल निकाल देते हैं, अभी कैपिटल 50 है ही नहीं, अभी कैपिटल 30 है, तो वरद का कैपिटल डेबिट लेकिन ओल्ड पार्टनर के करंट में जाता है, तो वरद कैपिटल डेबिट टू शरद करंट टू नारद करंट, पुराने पार्टनर के तो करंट में ही जाएगा, सपोज इक्वल था तो 10,000 ये किया था, तो गुडविल कैंसल होके अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट तो करंट में ही होता है, या यहाँ पर भी अपने को निकालना है तो करंट से ही निकालेंगे, तो यहाँ पर खाली क्या है, उधर न्यू पार्टनर कैपिटल के साथ ला रहा था गुडविल टोटल, इसलिए पहले कैपिटल में 50 का एंट्री मारा, कैपिटल में से गुडविल निकाला, करंट में ट्रांसफर किया। इधर तो क्या है, बी और सी करंट में से निकाल के एक एक कैपिटल में मत डालना, एक एक करंट में ही डाल, क्योंकि फिलहाल करंट अकाउंट ओपन है उसका, फिर करंट बंद होके अल्टीमेटली इट विल गो टू कैपिटल एंड कैपिटल विल गो टू लीगल एसेट्स, दैट इधर हम लोग डायरेक्टली वरद करंट नहीं लिख सकते क्योंकि वो बेस कैपिटल के साथ ला रहा है, इसलिए कैपिटल फिर निकाल ले, क्योंकि कैपिटल पोर्शन वाज ओनली 30 ना, उतना ही रहने दिया, बाकी गुडविल करंट का पोर्शन उधर से निकाल दिया कैपिटल, सिर्फ एडमिशन में ही ऐसा होगा कैपिटल करंट नहीं, ये अलग नहीं किया मैंने, एडमिशन में भी एक्चुअली देखो ना, ये कैपिटल में से मैंने गुडविल निकाला ही है ना, उसका करंट था ही नहीं ना अकाउंट, हाँ उसका करंट तभी बनेगा जब ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट आएंगे तभी बनेगा, तो अगर करंट इधर तो है ही नहीं, तो इधर सीधा इसके कैपिटल में से निकाल के इन दोनों का करंट है, इसके लिए करंट में क्रेडिट कर दिया, जब तक आपका करंट खुला है तो ऑल द चेंजेस इन करंट एक्सेप्ट फॉर बेस कैपिटल इंट्रोड्यूस, बेस कैपिटल विड्रॉन या प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन या प्रोपोर्शनेट कैपिटल,
खाली ये चीजें हैं तो आपको कैपिटल में करनी, बाकी सब करनी। ओके, रीवैल करंट, गुडविल करंट, आपका पीएनएल सस्पेंस वगैरह भी जो करेंगे सब कुछ करंट। तो ये करंट में चला गया, गुडविल का पार्ट क्लियर है अभी सबको। अभी लेट अस गो टू अपना पीएनएल सस्पेंस में जाते हैं। सी नेक्स्ट वर्किंग नोट इज फॉर पीएनएल सस्पेंस, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, name it working note number 2। share of profit ke bare mein padho kya diya hai point number d mein, upon the death of a partner he is to be credited with his share of profits, interest on capital etc calculated upon 31st december following his death, calculated upon 31st december following his death। to mujhe batao share of profit kaun se basis pe calculate karna hai, क्या 2 years average, 3 years average, previous year's profit, this year's profit, इसको पूरे साल के profit का हिस्सा मिल रहा है। तो इस साल वो लोग ने क्या किया, 30th September को भले ही उसकी death हो गई, तभी कुछ किया ही नहीं, आप सब procedure 31st December को कर रहे हो। तो final accounts बनाने के दिन पर ही जैसे आप normally उसको profit देते थे, वैसे नॉर्मली ही आप उसको यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो, जैसे जिंदा पार्टनर को आप प्रॉफिट का शेयर देते थे वैसे यहाँ पे डेड पार्टनर को दे रहे हो एज ऑन 31st दिसंबर। तो विच ईयर का प्रॉफिट विल आई टेक, 2016 करंट ईयर का ही प्रॉफिट आई विल टेक विच इज 3670, बट आर दीज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, this is before interest on capital, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा मेरे को, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो हमने ऊपर देख लिया है, 2000 रुपया माइनस करना पड़ेगा, आई विल गेट वॉट 1670, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है, ये फाइनल प्रॉफिट है 1670, सबको समझ आई बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको 12 महीने का देना है लाइक ऑल द अदर पार्टनर्स इन दिस पर्टिकुलर सम बिकॉज़ दे आर मेंशनड इट अपॉन 31st दिसंबर। तो 31st दिसंबर तक का उसको प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों देना है, इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया, फाइनल प्रॉफिट मिल गया। इस फाइनल प्रॉफिट में आप क्या करते हो, नॉर्मली आप क्या करते थे याद है, उसका शेयर एंड मंथ्स यहाँ पे हम लोग लिखते थे ना, इज शेयर इन प्रॉफिट्स and that too for respective months, 3 months, 6 months, 9 months, तो यहाँ पे कितना महीने का है, 12 months ही आएगा क्योंकि पूरे साल का देना है उसको, तो 1670 पूरे फर्म का प्रॉफिट है, उसमें ए का शेयर है 2/4 फॉर 12 महीना, फुल 12 months का बात किया अपॉन 31st दिसंबर तक देना है, तो हाउ मच यू आर गेटिंग, 835 रुपीस, दैट इज पीएनएल सस्पेंस। अभी इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पर पीएनएल सस्पेंस बनाने की जरूरत है, खाली पीएनएल ही आएगा, खाली पीएनएल आएगा, बहुत दिमाग इस्तेमाल कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों पीएनएल सस्पेंस नहीं आएगा, पीएनएल सस्पेंस कब आता था, एस्टिमेट करते थे और जब गैप होता था डेट ऑफ बैलेंस शीट और डेट ऑफ पीएनएल के बीच, तब तक वो टेम्पररी लॉस पीएनएल सस्पेंस में दिखता था और ईयर के एंड में वो पीएनएल सस्पेंस पीएनएल में चला जाता था विद दिस एंट्री, पीएनएल टू पीएनएल सस्पेंस, राइट। बट यहाँ पर आपका पीएनएल सस्पेंस बनाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि सब कार्यक्रम ही दिसंबर को हो रहा है, ईयर एंडिंग पे हो रहा है फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस 835 रुपीस, विल इट बी बाय पीएनएल सस्पेंस, विल इट बी सिंपली बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल, बाकी दोनों पार्टनर को पूरे साल का पूरा प्रॉफिट वगैरह, इसको इसका शेयर, उनका उनके कैपिटल में, इसका इसके कैपिटल में, इसके सॉरी कैपिटल में जाना चाहिए कि करंट में जाना चाहिए, अब बताइए किसमें जाएगा, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी किसमें जाता था, करंट, तो बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट दिस इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो नॉर्मल सम से क्या अलग हुआ यहाँ पे, ये समझ आई आपको चीज, नॉर्मल सम से क्या अलग हो रहा है, फर्स्ट थिंग उसको हम
डेट ऑफ डेथ तक का शेयर देते थे, 9 महीने का शेयर देते थे, यहाँ पे हमने पूरे 12 महीने का दे दिया क्योंकि अग्रीमेंट में डिसाइडेड था। और दूसरा चीज, क्योंकि हम 12वें महीने के एंड में प्रोसेस कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स के डेट पे कर रहे हैं, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीएनएल सस्पेंस की कोई गरज नहीं है, डायरेक्टली बाय पीएनएल पास कर सकते हैं। कंफर्टेबल? तो ये हो गया उसका करंट अकाउंट, उसका बैलेंस, उसका कैप, शेयर ऑफ गुडविल दे दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया। अब क्या देना है उसको? रीवैल का भी देना है, ईयर एंड पे ही रीवैल भी किया, ईयर एंड के बीच में एक्चुअली पहले ही रीवैल किया है, 30th September को एक रिवैल्युएशन किया आपने। व्हाट इज दैट रिवैल्युएशन, कैन यू ऑल टेल मी? देयर इज ओनली वन आइटम ऑफ रिवैल्युएशन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रीवैल में दिख रहा है आपको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रीवैल मतलब दैट्स योर पीएनएल एडजस्टमेंट, पिछले सालों के प्रॉफिट्स आपके चेंज करने हैं, तो डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? तो आई थिंक डेबिट होना चाहिए। लायबिलिटी बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की थी? 2000 की। और कोई एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू नहीं किया? सी, भले ही आपने करंट ईयर पीएनएल बनाते वक्त किया है, लेकिन कभी भी याद रखना, जब भी एसेट लायबिलिटी में चेंज कर रहे हो, तो ये कैपिटल में लमसम है, तो ये आपके सभी प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू ही होना चाहिए। ओके? हाँ, कोई करंट ईयर का एक्सपेंस है, इनकम है, तो अलग बात है, या कोई रेवेन्यू नेचर का आइटम है स्पेसिफाई करके दिया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, तो वो आपका रिवैल में नहीं जाएगा, वो रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है, वो पीएनएल में जाएगा। बट ये रिवैल्युएशन विल बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ पीएनएल एडजस्टमेंट, रिमेंबर। ये पार्टनर कैपिटल किस में जाएगा? ए बी एंड सी तीनों में जाएगा, 2:1:1, दैट इज 1500 500। इसमें से ए को कितना जाना चाहिए? 1000 जाना चाहिए लॉस, बाकी बी और सी को जाएगा, कैपिटल में जाएगा कि करंट में जाएगा, ये बताओ? करंट, सब कुछ करंट, जब तक करंट ओपन है सब कुछ करंट। तो पीएनएल एडजस्टमेंट में बाय करंट, तो करंट में क्या होगा यहाँ पे? 2 पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, 1000 रुपीज, ये उसका रिवैल का शेयर, ये भी दे दिया हमने, सब चीजें उसको दे या ले रहे हैं, यहाँ से लॉस था तो ले रहे हैं। यहाँ पे पहले हमने उसको गुडविल दे दी, बैलेंस दे दिया कैपिटल करंट का, फिर उसको पीएनएल सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया करंट ईयर के प्रॉफिट्स के बेस पे, फिर उसका जो रिवैल का शेयर था उससे हड़प लिया, ले लिया, टिल ईयर एंड हुआ था। और बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, परफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या एंट्री होना चाहिए बोलो मुझे? व्हाट एंट्री विल पास फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस करंट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देते हैं, ये बना दो वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना होगा? हमने ऊपर ऑलरेडी दिखा दिया है सी का कैपिटल। अच्छा, 9 महीने का देना है कि 12 महीने का? दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 महीने का क्यों भैया? क्योंकि अग्रीमेंट में दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट शेयर दोनों 12 महीने का, 31 दिसंबर तक देना है। एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट 9 महीने का देते, कुछ नहीं दिया होता 9 महीने का देते, स्पेसिफाई करके दिया तो 12 महीने का करना पड़ेगा। तो कैपिटल कितना था भाई का? 4000 नहीं था, 10000 पे 10% फॉर फुली, दैट कम्स टू 1000, दैट क्लियर? 1000 rupees will be your interest on capital, entry will be by interest on capital in the current account, 1000 rupees, ये भी दे दिया, राजी खुशी विदा करना है उसको अभी, interest on capital भी दे दिया। What will be the second effect of this interest on capital? Obviously it will go to PNL appropriation at the year end, जो आपने बनाया था, तीनों partner का interest चला जाएगा उसमें, 1600 and 400, राइट, एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तब भी हो रहा है ये, बैठ रहा है दिमाग में? अभी तक का पार्ट क्लियर सबको? खाली एक चेंज हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 9 महीने का देते हैं वो 12 महीने का दे रहे हैं, बाकी सब तो नॉर्मल था, गुडविल एंड ऑल, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया क्योंकि प्री इंटरेस्ट के प्रॉफिट दिए हुए।
ऑल राइट, और भी कुछ बाकी है सब में देख लो जरा, स्कैन कर लो अच्छे से। ड्रॉइंग्स है और पॉलिसी है। ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है? ड्रॉइंग्स टू कैश होता है, और फिर वो करंट में जाएगा कि कैपिटल में जाएगा? ड्रॉइंग्स फिलहाल सब कुछ करंट। टू ड्रॉइंग्स कितना था उसका? 2000। दूसरा इफेक्ट कैश में जाएगा, वी आर नॉट शोइंग एनी कैश अकाउंट। 3000, सॉरी 3000 आर द ड्रॉइंग्स, 3000 ड्रॉइंग्स भी हो गया रिकॉर्ड। और क्या बचा अभी? पॉलिसी। पॉलिसी जब एक्सपेंस और इनकम बेसिस पे मेंटेन होती है, तब याद है आपको दो एंट्रीज हमने सीखी थी, व्हेन द प्रीमियम इज पेड एज एक्सपेंस, व्हाट एंट्री यू पास? इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, और फिर पीएनएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम। याद है वो रिटायरमेंट के वक्त हमने एक सम भी किया था, उसमें प्रेजेंटेशन बताया था आपको। तो इंश्योरेंस टू प्रीमियम टू बैंक एक्सपेंस एंड पीएनएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर हमने एक्सट्रैक्ट बताया था पीएनएल का। और जब आपको पॉलिसी रिसीव होती है, यू ट्रीटेड एज इनकम, तो आप एक छोटू सा पॉलिसी अकाउंट बनाते हो, याद आएगा आपको अगर। तो पॉलिसी अकाउंट में क्या लिखते हो आप? व्हाट आर द एंट्रीज यू पास व्हेन यू रिसीव दैट क्लेम और अमाउंट फ्रॉम पॉलिसी? दो एंट्री आता था, याद है? बाय बैंक, बैंक टू पॉलिसी, बाय बैंक। एंड किस में ट्रांसफर होता था ये पूरा गेन? कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट, बिकॉज यू आर हैविंग करंट ए बी एंड सी। तो एंट्री इज बेसिकली बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी बेचा पैसा आया, एंड पॉलिसी टू पार्टनर कैपिटल और करंट एज द केस में भी। बैंक टू कैपिटल, दैट इज द नेट एंट्री, बैंक टू कैपिटल, पूरा पैसा तीनों पार्टनर में बट गया। अब कितना पैसा आएगा उसका एक वर्किंग नोट बना दो, वर्किंग नोट नंबर 5। दिस इज फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। ए इज डेड, तो ए का क्या मिलेगा? क्लेम वैल्यू की सरेंडर वैल्यू? ए का क्लेम वैल्यू मिलेगा। ए का क्लेम वैल्यू मिलेगा मतलब कितना मिलेगा? 10,000। बी और सी का क्या मिलेगा क्लेम की सरेंडर वैल्यू? डेथ के वक्त कुछ नहीं दिया तो चुपचाप सरेंडर ही कर देने का। रिवैल्यूएशन कब भी रेयरली होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। सरेंडर वैल्यू ही मिलेगा यहाँ पे। तो बी और सी के केस में सरेंडर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये दो तो जिंदा है। और याद है आपको सरेंडर वैल्यू का मतलब बताया था, प्रीमियम वीमियम खर्चा वर्चा काट के जो आपको नेट अमाउंट देता है कंपनी फॉर डिसकंटिन्यूइंग द पॉलिसी। पॉलिसी आप बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हो, शुरू के एक दो साल में करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जीरो भी मिलेगा। जीरो मतलब कुछ नहीं भी दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ ना मिले। बट थोड़े साल बाद करोगे तो शायद कुछ सरेंडर वैल्यू मिले आपको। कितनी सरेंडर वैल्यू है कैन यू टेल मी? दिया हुआ है वहां पे आपको लास्ट पॉइंट में, व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी? इट इज 20%। कैन यू सी दैट? 10,000 का 20/100, 10,000 का 20/100, इन दोनों का सरेंडर वैल्यू मिलेगा आपको। सो व्हाट इज योर टोटल अमाउंट रिसीव्ड? टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिसी विल बी 14,000 रुपीज, and this 14,000 will be distributed between all the three partners in their PSR. It would go to 7,000, 3,500 and 3,500, 2:1:2. Is this clear? Policy ka entry samajh mein aaya? Tino ko jana chahiye, bank to policy, policy to capital, capital ke jage current aa gaya khali, aur current mein jayega aapka corresponding entry, kahan gaya current, current, current. करंट में जाएगा बाय इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, बाय इंश्योरेंस। डायरेक्टली बाय बैंक लिख सकते हो, लेकिन बाय बैंक थोड़ा वियर्ड हो जाता है एंट्री, क्योंकि आपने ऐसा दिखाया कि बैंक टू करंट, करंट में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ है। तो दो एंट्री पास करना, बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल। तो कैपिटल के जगह करंट, करंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका शेयर इसको मिल गया 7, बाकी दो पार्टनर का उनको मिल जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे दी, अब भी कुछ बचा है इसको देना बताओ मुझे देख के क्वेश्चन में। रीड करो बराबर से पॉइंट, रीड करो सब लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है नहीं, डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल कर लिया हमने, इंश्योरेंस पॉलिसी कर ली हमने, शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीने का देना है वो भी दे दिया हमने,
फंड नंबर ई में दिया है गुडविल इज टू क्रेडिटेड डिसीज्ड पार्टनर एज ऑन 31st दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ. तो 31st दिसंबर को ही गुडविल क्रेडिट किया हमने, बराबर है. That the partnership books भी closed annually किया, A died, standing current भी दे दिया, drawings भी दे दिया, unrecorded liability revalue भी कर दिया, पिछले साल के profit से calculation. That's it. I think we have done everything. That's it. Variable transfer is current. Current किधर जाएगा भैया? Capital. बराबर है? करंट विल गो टू कैपिटल. तो करंट में आएगा 2A कैपिटल. व्हाट इज द टोटल? कैन यू टेल मी द टोटल? कितना आ रहा है? 8525 और यहाँ पे आ जाएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट 8525 एंड टू. ये बैलेंस नहीं है, सॉरी करंट आएगा ना. टू इज करंट. बाय बाय. हाँ बाय बाय. टू ए कैपिटल, ए करंट टू ए कैपिटल. तो ए कैपिटल में बाय इज करंट. बाय इज करंट. एंड ये जो है फाइनली किसको जाएगा? फाइनली कैपिटल का पैसा इज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. इधर एग्जीक्यूटर बनाने की जरूरत नहीं है. लास्ट समय हमने बनाया था, याद है आपको? वो तभी बनाना चिंटू सा जब आपको पे करना हो कुछ इमीडिएट. इधर तो पूरा का पूरा एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 18,525. तो प्रॉब्लम वाज एक्चुअली इजी, खाली वो कंडीशन वो लोग के अग्रीमेंट के हिसाब से थोड़ी अपने को फॉलो करनी थी. बाकी कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं था. कैलकुलेशंस एंड ऑल वेयर नॉर्मल ओनली, क्योंकि वो लोग ने एक स्पेसिफाइड कंडीशन डाली थी स्पेशली फॉर दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वो क्या घाई घाई में कभी 9 महीने का हो जाता है. तो क्वेश्चन बराबर से पढ़ना कि वो लोग ने दिया है क्या 12 महीने का. 12 महीने का दिया है तो 12 महीने का करना, अदरवाइज 9 महीना. दिस इज योर सॉल्यूशन. और पॉलिसी का पार्ट नया था, वो समझ में आया किया था हमने, बट ये सम के साथ आया. प्रॉब्लम के साथ दिस वाज न्यू. ऑल ऑफ यू गॉट दैट पॉलिसी पार्ट? क्या करूं? ज़ूम पॉलिसी वाला. देखो एंट्री समझ में आई, एक्सपेंस और इनकम की, बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल, दैट पार्ट यू गॉट. यू वांट द अमाउंट, राइट? हाउ डिड आई अराइव एट दैट अमाउंट? 7000 और 3000 अमाउंट ना. या सी, पॉलिसी तीनों ने निकाली हुई थी, अग्रीमेंट में दिया था 10,000 की. तीनों की 10,000 की पॉलिसी थी. ओके अब कौन गुजर गया यहाँ पे? ए गुजर गया. ए डाइड. तो जब भी कोई डेथ होती है तब पार्टनर्स क्या करते हैं? जो मर जाता है ना उसका तो क्लेम मिलेगा. वी आर अज्यूमिंग पूरा 10,000 क्लेम मिल गया यहाँ पे ए का. वो तो फॉर श्योर मिलेगा ही, मर गया. B or C, what they will do? They won't continue their policy. They will also discontinue and surrender the policy. They will also discontinue and surrender. Even in retirement, we discontinue and surrender. But if they specify ke revalue karna hai, aage bada ke rikhana hai, toh bada ke dikhao. Okay? Otherwise, retirement mein dono option hai aapko. Revalue kar sakte ho, surrender kar sakte ho. Most of the cases, udhar bhi surrender hi hota hai. So, yahaan par death mein toh surrender hi karna hai. Discontinue hi karna hai. Kyunki A ko bhi usko paisa milna chahiye. तो बी और सी भी अपनी पॉलिसी सरेंडर करेंगे. सरेंडर कर देंगे मतलब जो पैसा आएगा तब भी ले लेंगे. सरेंडर वैल्यू कितना है पॉलिसी का? 20% है, दिया हुआ है लास्ट पॉइंट पे. तो बी और सी की पॉलिसी से 10,000 नहीं मिलेगा, उसकी पॉलिसी से मिलेगा आपको 4,000. तो टोटल पैसा कितना मिला बिजनेस को? टोटल पैसा मिला कितना? अरे 2,000 2,000 each. Total paisa kitna mila business ko? 2,000 2,000 or 10,000. Total paisa kitna mila? 14,000. This 14,000 will be distributed between all the three partners A, B and C as their income because premium was expense. Idhar koi asset nahi dikh raha tha book mein.
जब जेएलपी एसेट होता है तब उसको एसेट ट्रीट करने का, और ऊपर का जो पैसा मिलता है वो प्रॉफिट या लॉस बन जाता है आपका, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस के जैसा, एसेट्स का प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे योर जेएलपी इज योर एक्सपेंस, प्रीमियम इज एक्सपेंस, पॉलिसी जो पैसा आया वो इनकम। तो 10,000, 2,000, 2,000 ये पूरा आपका क्लेम वैल्यू है, ये पूरा आपका इनकम है, विच विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 विच इज 7,000, 3,500 and 3,500 बिटवीन द थ्री पार्ट। इट्स लाइक अ न्यू इनकम, अ विंडफॉल गेन फॉर द पार्टनर। तो तीनों में पीएसआर में डाल दो। एंट्री बेसिकली क्या है इसका, एक्सपेंस टू बैंक वॉज फॉर पेइंग दैट प्रीमियम, एंड वेन यू रिसीव दैट क्लेम इज बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल। पॉलिसी पॉलिसी कट, सो इट इज बेसिकली बैंक टू कैपिटल ऑल थ्री पार्टनर। कैपिटल के जगह सिंस वी आर हैविंग करंट, तो आई एम राइटिंग बैंक टू करंट, बैंक टू पार्टनर्स करंट। अभी समझो दो पार्टनर की डेथ हो जाती, ए भी है बी भी है सी भी है, दो पार्टनर की डेथ हो जाती, तो दो पार्टनर की डेथ हो जाती, ए की भी डेथ हो गई बी की भी डेथ हो गई, अब क्या होगा, अब कितना पैसा मिलेगा आपको क्लेम में? 22,000। इससे पूरा 10 मिलेगा, क्लेम वैल्यू मिलेगा क्योंकि ये गया, इससे भी पूरा क्लेम मिलेगा 10, इससे कितना मिलेगा सरेंडर वैल्यू, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000, 1,000, 3,000 कुछ भी हो सकता है, तो आपको टोटल कितना मिलेगा 22,000। अब ये 22,000 किस में बटेगा, ए बी और सी तीनों में बटेगा इन द पी एस आर विच इज ना, तो अपना 2:1:1 You got that? अगर यहां पर A, B और C तीनों की पॉलिसी 10-10-10 की थी, एंड समझो C मर नहीं रहा है, रिटायर हो रहा है, C रिटायर हो रहा है, एंड साइमल्टेनियसली A एंड B आर ऑल्सो सरेंडरिंग देयर पॉलिसी। C retire हो रहा है, A and B are also surrendering their policy. Now how much you will receive from the company? C retire हो रहा है, and A and B are also surrendering their policy. So how much money you will receive from the company? 6,000. Surrender of all. तीनों का surrender value मिलेगा 20-20-20%. So 2-2-2, which is 6,000. Who will divide this 6,000? A, B, C in the PSR. 2:1:1. Are you all getting that? मतलब सर खाली डेथ के केस में फुल क्लेम मिलता है ना? डेथ के केस में फुल क्लेम मिलता है, इंडिविजुअल पॉलिसी अगर है तो इंडिविजुअल पॉलिसी का क्लेम मिलेगा, और बाकी दो का सरेंडर। लेकिन यहाँ पर अगर जेएलपी होता, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता, जॉइंट लाइफ पॉलिसी तीनों पार्टनर का मिला के 30,000 का, जॉइंट लाइफ पॉलिसी तीनों पार्टनर का मिला के 30,000 का था, ए बी एंड सी, प्रीमियम वॉज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, एक ही पॉलिसी थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी तीनों की मिला के 30,000, कोई भी मरेगा तो क्लेम मिलेगा, तो यहाँ पे ए मर गया तो कितना मिलेगा आपको? 30। ए मर गया तो फुल 30 में मिल जाएगा, विच विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन पीएसआर। क्यों यहाँ पे 10 और 2 और 2, 14,000 क्यों नहीं मिला, क्यों 30 मिला? इंडिविजुअल पॉलिसीज नहीं है, हाँ जॉइंट लाइफ है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, इसका प्रीमियम्स भी ऑब्वियसली ट्रिपल होगा कंपेयर टू द इंडिविजुअल पॉलिसी, गॉट इट? तो आपका जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसका मतलब तीनों की जॉइंट लाइफ पे है, उसमें कोई भी मर जाता है ए या बी या सी, तो आपको पूरा का पूरा क्लेम ही मिलने वाला है, उसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, इज दिस क्लियर? बट अगर आपकी इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है, तो आपका जो मर गया उस पार्टनर का क्लेम मिलेगा, और जो बचे हुए उसका सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा, बटेगा सब कुछ पीएसआर में तीनों के बीच। इज दिस क्लियर नाउ? अभी समझो तीनों पार्टनर के बीच में जेएलपी है 30,000 का, तीनों पार्टनर के बीच में जेएलपी है 30,000 का, ए बी एंड सी का, इसमें से बी रिटायर्ड, मरा नहीं है, बी रिटायर्ड एंड दे वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू द पॉलिसी, दे वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू, दे वॉन्ट टू सरेंडर द पॉलिसी। नाउ वॉट विल हैपन? What suppose the surrender value was 30%? Suppose the surrender value was 30%. So what will they get if B is retiring? What 9, will they get? 9,000. Business will get simply 30% of 30,000, which is 9,000.
that will be distributed between A, B and C in the PSR. Because यहाँ पे B retire हो रहा है, death नहीं हो रही है, तो they are discontinuing that policy. And there are not three different policies. There is only one single policy of 30,000. So that 30,000 का surrender value they'll get, which is 9,000. Is that clear? All examples of joint life policy and individual policy बैठा है दिमाग में? देखो logic से सोचोगे ना तो कुछ है नहीं, चिंदी है वो. Death हो गई तो claim. और अगर डेथ नहीं हुई, रिटायरमेंट है, तो सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा आपको. लेकिन जो मिलेगा वो पीएसआर में बांटना है आपको, वो तो पता ही आपको, नो टेंशन अबाउट दैट. अब डेथ हुई और जेएलपी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, तो पूरा क्लेम आ जाएगा फुल वैल्यू. और डेथ नहीं हुई, रिटायरमेंट हुआ और जेएलपी है, रिटायरमेंट हुआ और जेएलपी है, तो यू गेट द सरेंडर वैल्यू ऑब्वियसली, क्योंकि कोई मरा नहीं है, है ना. और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज है और डेथ हो गई, जैसे ये सब में हुआ, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी प्लस डेथ हो गई, तो क्या मिलेगा आपको? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी प्लस डेथ हो गई तो क्या मिलेगा आपको? जो मर गया उसका पॉलिसी का क्या मिलेगा आपको? क्लेम मिलेगा. और बाकी दो का क्या मिलेगा आपको? सरेंडर वैल्यू मिलेगा. एंट्री सबकी सेम है, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल डिवाइडेड इन पीएसआर, बराबर है. और अगर डेथ हो गई, सॉरी, इंडिविजुअल पॉलिसी और रिटायरमेंट हो गई और सरेंडर करना है सबको, डिसकंटिन्यू करना है इंडिविजुअल पॉलिसी और रिटायरमेंट, तो तीनों इंडिविजुअल पॉलिसी का क्या मिलेगा आपको? सरेंडर. सरेंडर क्लेम किसी का मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई मरा ही नहीं है. सबका डिसकंटिन्यू करो, सरेंडर वैल्यू लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पीएसआर, दैट्स इट. ये फोर पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास. आइडिया कांसेप्ट जेएलपी का. यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम ट्रीट किया. अगर आपने एसेट ट्रीट किया तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बातें पैसे यही मिलने वाले हैं, खाली वो एसेट है ना, तो उसका ऊपर का पैसा आपका प्रॉफिट या लॉस होगा. तो एसेट ट्रीट करके, जो समझो आपकी 10,000 का एसेट दिख रहा है, 12 मिला, तो 2,000 का प्रॉफिट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टी. तो 12 का प्रॉफिट नहीं होगा, 2 का प्रॉफिट लॉस, ऐसा, क्योंकि एसेट फॉर्म में बताया. प्रेजेंटेशन अलग है, बताया था ना आपको, एक्सपेंस इनकम दिखाओ या एसेट के फॉर्म में दिखाओ, खाली प्रेजेंटेशन अलग हो रहा है, बट आपका नेट रिजल्ट इज सेम, प्रॉफिट लॉस नेट आपको सेम आएगा. So that was your JLP, that was your problem. बड़े आगे next problem पे. Sir. Yeah, yeah, yeah. एक बार ये बोलो ना, executor account कब बनाना? Executor account कब बनाना? देखो, executor account है ना, अगर आप उसको pay कर रहे हो कुछ, dead partner को कुछ immediately pay कर रहे हो, suppose समय दिया है that the executor was paid 5,000 immediately, 10,000 immediately, तो फिर इसका मतलब क्या है? आप पूरा loan में transfer नहीं कर रहे हो ना, loan का मतलब पूरा pending रख रहे हो. क्योंकि आप थोड़ा पे कर रहे हो, तो किसको पे करोगे? एग्जीक्यूटर को. तो इन दैट सिचुएशन पहले क्या करोगे आप? कैपिटल का पैसा एग्जीक्यूटर में डालो, एग्जीक्यूटर को 10,000 दो और उसका बैलेंस लोन में डालो. मतलब समझो 50,000 आ रहा है आपको, यहाँ पे समझो आपको यही एग्जांपल ले लो, यहाँ पर 18525 में आपको ऐसा दिया कि 1,000 rupees यू आर पेइंग इमीडिएटली, 1,000 rupees यू आर पेइंग इमीडिएटली. तो मैं क्या करूंगा, लोन में नहीं डालूंगा, 18525 एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालूंगा, फिर एक एग्जीक्यूटर अकाउंट ओपन करूंगा, उसमें मैं लिखूंगा ए कैपिटल 18525, इसको मैं इमीडिएटली पे कर दूंगा टू बैंक 1,000, एग्जीक्यूटर मतलब उसका बेटा, वाइफ, जो भी है, एंड फिर बाकी का जाएगा एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, मतलब ये जो पैसा है 17525, ये मैं इमीडिएटली पे नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पेंडिंग. That is meant by executor loan. So generally death के केस में कभी immediate settlement होता नहीं है, इसलिए हमेशा executor loan में ही जाता है पूरा का पूरा पैसा. Executor account बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है. और या तो फिर एक sum दिया है जहां पे आपको clear cut mention किया है कि executor was entitled to so and so, ऐसा करके दिया, question में ही दिया है कि his executor was entitled to so and so. एग्जीक्यूटर वॉज एंटाइटल टू सो एंड सो, मतलब शुरू से ही एग्जीक्यूटर बना दो. नहीं तो कभी कभी देते हैं डेड पार्टनर वॉज एंटाइटल टू सो एंड सो, या कुछ भी नहीं देते हैं. कुछ भी नहीं देते तो हम लोग यही बनाते हैं, सबको डेड पार्टनर के कैपिटल में दिखा के बाद में लोन में डालते. बट क्वेश्चन में दिया कि इस एग्जीक्यूटर वॉज एंटाइटल टू सो एंड सो एंड मेक हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो वो हमने जो सम किया था ना उसमें पहले कैपिटल ट्रांसफर कर दो एग्जीक्यूटर में, फिर ऑल द चेंजेस इन एग्जीक्यूटर, जो जो ये सब एंट्रीज करनी है ये सब एज एग्जीक्यूटर में जाएंगे, ये सब एज है, ये बैलेंस के जगह आ जाएगा बाय
ए कैपिटल या करंट इन दिस केस बाय ए करंट, बाय ए कैपिटल के जगह हो जाएगा बाय ए करंट, ये हो जाएगा बाय बैलेंस के जगह बाय ए करंट। करंट उठा के डाल रहे डायरेक्टली मैंने डाल दिया एग्जीक्यूटर अकाउंट में और फिर जाएगा जो भी पैसा है वो लोन में चला जाएगा एंड में। एक सेकंड, इन दिस सम सॉरी इट वोंट बी बाय ए करंट, एक मिनट, यहां पर आएगा एस करंट विल गो टू एस कैपिटल, एस करंट विल गो टू एस कैपिटल, एस कैपिटल विल गो टू एग्जीक्यूटर, सिंपली एस करंट विल गो टू ए कैपिटल, मतलब आपका एंट्री ऐसा होगा, आई जस्ट शो टू यू सेपरेटली, अगर करंट के साथ एग्जीक्यूटर आता है तो आपका एंट्री ऐसे हो जाएगा। शुरू में ही आप क्या करोगे, एज करंट को बंद करके डाल दोगे टू एज कैपिटल, शुरू में पहला एंट्री 450 रुपए जो थे आपके, एज करंट विल गो टू एज कैपिटल, एज कैपिटल विल बी इमीडिएटली ट्रांसफर टू एज एग्जीक्यूटर जो भी था 10,450, और फिर आपका एज एग्जीक्यूटर में वी विल शो ऑल द चेंज, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग, अंडरस्टूड, एग्जीक्यूटर में ऑल द चेंजेस एंड लास्ट में लोन, जो भी डिफरेंस है लोन। खाली एक छोटा सा फॉर्मेलिटी से का अकाउंट है, ओके, अग्रीमेंट में दिया है इसको इसको, अल्टीमेटली सब एग्जीक्यूटर को ही जाता है, इमीडिएटली जाता है तो कैश, बाद में जाता है तो लोन। तो खाली क्वेश्चन में थोड़ा फाइन प्रिंट में दिया, इसके लिए थोड़ा मगजमारी है, ध्यान रख के करना पड़ेगा। दो सिचुएशन में एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, नंबर वन एग्जीक्यूटर एंटाइटल जब भी दिया है अकाउंट बना उसमें ट्रांसफर करो कैपिटल पूरा बना दो, एंड पूछेगा भी आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट उसमें, एंड सिचुएशन नंबर टू व्हेन यू आर पेइंग एनीथिंग इन पार्ट पेमेंट, आप कुछ अगर पार्ट पेमेंट में दे रहे हो तो फिर उतना पार्ट एग्जीक्यूटर बाकी का लो, इज दैट क्लियर, बाकी सब तो कैपिटल एवरीथिंग इन। That's it. बढ़े आगे. Next problem, sum number. Tell you. Question number कौन सा लेना है अपने को? Question number 7 लेना है, इसी का cousin भाई है. Let's see question number 7. इसमें आपको fine print पढ़नी है. कोई मर गया है आप उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप पहुंच गए उसके डेथ के फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए। पीटर पॉल एंड प्रिंस वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। इट वाज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ही हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी पेड। यहाँ पे देखो दिया हुआ है ही और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे छूट है आपको, कैपिटल में दिखाओ या एग्जीक्यूटर में दिखाओ, मानना नहीं, हम लोग कैपिटल में दिखा देंगे सब कुछ, करंट हुआ तो करंट हुआ क्या। द बैलेंस ही वुड बी पेड, द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट बराबर है, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट वो चाहिए, देन हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल from for the last 3 years to 31st December preceding the retirement or death. Statement समझ में आया कुछ? क्यों ऊपर से गया? समझ आया? हेलो मुंडी तो हिलाओ, क्या बोलना चाह रहे हैं? गुडविल कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन 3 years एवरेज, 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज, विच 3 years प्रीसीडिंग द रेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, मतलब जस्ट लाइक प्रीवियस सम, ओके, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ विच शैल बी टेकन ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एटलीस्ट बाय 25%। क्या ये प्रीवियस सम जैसा है कि कुछ चेंज किया है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट को 25% बढ़ा के उसका शेयर लेंगे। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को 25% बढ़ा के उसका शेयर देना है। बेटा सबके दिमाग में
और क्या पूरे साल का देना है दिलदार हो के लास्ट सम के जैसा कि 9 महीने का देना है या 6 महीने का? 9 महीने मतलब जितना महीना उतना, जितना महीना है जब डेथ हुई है, 30th June है तो 6 महीना वापस बैक टू ट्रैक आ गए ये लोग। ओके, कंजूसी है, छोड़ेंगे नहीं इसको, थोड़ा देंगे नहीं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम दो पेएबल टू ऑल द पार्टनर्स विल नॉट बी पेएबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। ये एक और कंडीशन है, मंजे का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करना, नहीं करना है। आपका काम कम हो गया है डेड पार्टनर को, आपको इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। तो भाई गाय में कर मत देना कैलकुलेट। फिर दिया है ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एंड द प्रॉफिट एंड लॉस बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन करना है, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करना है टू द कैपिटल अकाउंट इन द PSR। कैपिटल पे मैंने इतना जोर इसलिए दिया है क्योंकि मुझे नीचे करंट अकाउंट भी दिख रहा है, तो इसका जो रीवैल का प्रॉफिट है वो कहाँ डालना है आपको, कैपिटल में डालना है कि करंट में डालना है? कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, कुछ नहीं दिया होता तो चुपचाप करंट में डाल देते। पीटर डाइड ऑन 30th September 2016। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस फ्रॉम 1st January टू 31st December। इसमें भी 9 महीने का गैप है, 9 महीने बाद मर गया है। The balance in the fixed capital accounts on 1st January 16, that is the beginning of the year, were as follows: Peter 10, Paul 5 and Prince 5. 10, 5, 5 ka capital ka balance diya hua hai. The balance of the current account as on 1st Jan 16 was Peter 20, Paul 10 and Prince 5. का प्रॉफिट लॉस वो इस सब में हम लोग करंट में नहीं कर सकते क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दिया है कैपिटल, रिमेंबर दैट। उसके बाद दिया ड्रॉइंग्स ऑफ पीटर टिल 30th September वे 10,000 एज ऑफ लास्ट सम, 9 महीने का ड्रॉइंग्स दे दिया आपको। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द कैलेंडर ईयर 13, 14 and 15 वे 1,120,000 and 150,000 रेस्पेक्टिवली। आई थिंक दीज आर प्रॉफिट्स व्हाट, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? Again, before interest on capital. Profits include the following abnormal items of credit. ये abnormal items की data क्यों दी गई आपको? Yes, करना पड़ेगा। किसके लिए? Regular costs of income. Normal profit करने। Normal profits. For the purpose of? Future. For the purpose of? Goodwill या share of profit या सब कुछ? गुडविल को तकलीफ है खाली अबनॉर्मल आइटम्स से, शेयर ऑफ प्रॉफिट को कोई तकलीफ नहीं अबनॉर्मल आइटम्स से। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू? तकलीफ किसको है अबनॉर्मल आइटम्स से? खाली गुडविल को। तो जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होगे तब क्या इस अबनॉर्मल आइटम को आप निकालोगे? नहीं भैया नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉर्मल आइटम्स को कोई टच करने की जरूरत नहीं है, अब नॉर्मल नॉर्मल सब ले लो। शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो ना उसको ये साल का पिछले साल के 25% बढ़ा के, उसमें टेंशन नहीं है। बट गुडविल कैलकुलेट करते वक्त अब नॉर्मल आइटम्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि आपको एकदम नॉर्मल कोर्स वाले प्रॉफिट फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ चाहिए जो आप सस्टेन कर पाओगे, नाम के वजह से वो होता है गुडविल। तो ये लफड़ा अब नॉर्मल आइटम का सिर्फ गुडविल के लिए, उसको सब में अप्लाई मत करते बैठ जाना। शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आपको दिया, समझो किसी किसी समय दिया होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, पीएनएल सस्पेंस बेस्ड ऑन 2 years एवरेज, गुडविल बेस्ड ऑन 3 years एवरेज, एंड यू हैव बीन गिवन अबनॉर्मल आइटम्स, तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त अबनॉर्मल आइटम्स को हटा दें। बट शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएनएल सस्पेंस करते वक्त अबनॉर्मल आइटम्स को हटाने की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं।
नहीं उसको तो कोई भी प्रॉफिट जो जेन्युइन बिजनेस ने कमाया उसका सिंपल एवरेज निकालो कैलकुलेट गुडविल कोई लफड़ा है खाली अपना वो याद रखना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स दिया हुआ है तीनों के साल में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट पड़ा था ऑब्वियसली अबनॉर्मल है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस की माइनस बोलो बोलो माइनस माइनस करेंगे एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑब्वियसली हर साल आपको क्लेम तो आने वाला नहीं है वो भी क्या करोगे आप माइनस कर दोगे The firm has taken out a joint life policy. देखिए भैया last time इंश्योरेंस इंडिविजुअल था लाइफ पॉलिसी अभी joint life policy है 1 lakh रुपीज का और डेथ हो गई है इधर ही आपको पता चल जाना चाहिए क्या मिलेगा क्लेम मिलेगा नो टू थॉट अबाउट दैट 1 lakh रुपए आ गया चांदी हो गई सबकी किसमें बटेगा 1 lakh ऑल द 3 पार्टनर्स इन पी एस आर Besides, the partner had severally insured their life for 50,000 each. बहुत ज़्यादा insurance निकलवाया है. 1 lakh का joint life policy भी है plus severally 50-50 का 3 individual life policy भी निकलवाया है. तो अब कितना मिलेगा इनको 1 lakh तो मिलना ही है joint life policy का. यहाँ पे हम लोग वो life value और उसमें नहीं जाएंगे. We will assume that जितना policy आपने निकाला है सबका claim आपको मिल We are not going into that detail and all के पूरा economic value आपका life का निकालता है और फिर share करके claim आता है वो सब ignore करना है यहाँ पर आपको assume करना जो policy निकाली है death हुई तो claim और surrender किया तो surrender तो मुझे बताओ इसमें joint life policy तो है ही 1 lakh की तो वो लोग को कितना मिलेगा 1 lakh रुपीज मिलेगा और individual policy भी 50-50-50 की निकाली है तो क्या 50-50 मिलेगा और बाकी 15-15 पूरा मिला के कितना मिलेगा सबको मिल गया ये अमाउंट 180 आपके दिमाग में बैठा कैसे एनी कंफ्यूजन एनी वन रिगार्डिंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पक्का सो 1 lakh and 80,000 कैसे मिला 1 lakh रुपीज उनको पूरा का पूरा जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी टपक गया एक तो पूरा क्लेम मिल गया और जो 50-50-50 था उसमें पीटर गया तो उसका 50 मिलेगा लेकिन बाकी दो का 30% मिलेगा जो कि होता है 15,000 और 15,000 तो टोटल होता है 50 + 15 + 15 = 80,000 + 1 lakh = 1,80,000 दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव इज दैट क्लियर बटेगा किसमें ये पूरा का पूरा 1,80,000 ऑल पार्टनर्स ऑल द 3 पार्टनर्स इन द पीएसआर तो पहले ही आप वर्किंग नोट में ये सब वैल्यू कैलकुलेट करके एक साथ उड़ा सकते हो एंट्री बैंक टू पॉलिसी स्टोरी ओवर करंट अकाउंट में करना क्योंकि करंट अकाउंट है सम में ऑन 30th जून 2016 द फर्म रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द policy had been undercharged to the extent of 6,000 for the year ended 2018 and the firm has to pay that immediately. ये क्या हो गया भैया गड़बड़ extra expense reval debit extra expense होना चाहिए बराबर है but is it a revaluation of an asset or a liability or is it a change in the previous year's profit change in previous reval में ही जाना चाहिए no doubt लेकिन is this due to the change in previous year profit or is it due to revaluation of particular asset or liability what is that 6,000 read properly करना तो चेंज वाया रिवैल्यूएशन नहीं क्योंकि प्रॉफिट सब रेडी करके दे दिया है पीएनएल एडजस्टमेंट में करना है पीएनएल एडजस्टमेंट में से चेंज करना है बट 6,000 रुपीस इज इट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी या फिर इट इज लास्ट ईयर का लॉस चेंज इन द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या है बोलो चेंज इन द प्रॉफिट Change in the profit of the previous year. This is not a new asset revalued or unrecorded asset brought in the books. Yeah, land and building revalued or furniture revalued, which will affect your multiple years' profits. You are not revaluing any asset. What are they saying? You undercharged it. मतलब तुम्हारा mistake हुआ था.
इट वॉज अ काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन. तुमको प्रीमियम भरना था समझो 12,000, तुमने भरा है 6,000, 6,000 अंडर चार्ज के. तुम्हें प्रीमियम भरना था 10,000, तुमने पे किया था 4,000, 6,000 प्रीमियम कम भरा था, वहां से नोटिस आया तो तुमने तुरंत वो पे कर दिया. इट वॉज बेसिकली एन एक्सपेंस, तुम रह गए थे रिकॉर्ड करना, तो रेक्टिफिकेशन का पार्ट है. आर यू एबल टू गो कनेक्ट दैट? रीड करके समझा कुछ सर? या इसमें 2015 में 12,000 हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम है, तो प्रीमियम हम लोग ने 5,000 कम दिया है, तो सीधा उसमें से माइनस करके नहीं दिया था? नहीं नहीं, यू डोंट नो ना, ये तुम्हारा लाइफ पॉलिसी का है कि किसका है दोनों. वो तो क्लेम आपको जनरल इंश्योरेंस से आया होगा, जनरल इंश्योरेंस का क्लेम कुछ और होगा, ये आपका कुछ और क्लेम है. ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी नीचे दिख रहा है ये तुम्हारा लाइफ पॉलिसी का है, वो आपका जनरल इंश्योरेंस का. ये लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम है कि जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम है, डोंट नो ना, नथिंग इज गिवन स्पेसिफिकली. गॉट इट? तो प्रीमियम तो अलग ही, माइनस नहीं करने का, प्रीमियम तो अलग ही एक्सपेंस में दिखाने का, और इनकम अलग ही. देखो तुम परचेज भी करते हो, सेल भी करते हो, परचेज इज एक्सपेंस, सेल्स इज इनकम. तो क्या तुम परचेज सीधा सेल्स में से माइनस करके दिखा देते हो ट्रेडिंग अकाउंट में? यू शो बोथ, राइट? यू शो योर एक्सपेंस एज वेल एज योर इनकम. सो प्रीमियम इज योर एक्सपेंस, क्लेम इज योर इनकम, सो बोथ यू नीड टू शो सेपरेटली. गॉट इट? सो दिस वाज एन एक्सपेंस दैट वाज अंडर चार्ज. अच्छा, होगा ये रिवैल्यूएशन के जैसा पीएनएल एडजस्टमेंट में. एंट्री क्या बनेगी इसकी? ये लॉस हुआ बिजनेस का कि गेन हुआ? लॉस हो गया. लॉस हो गया तो रिवैल डेबिट, और जाएगा किस में? ऑल द थ्री पार्टनर्स इन पीएसआर, करेक्ट? हेलो, बट दोनों अलग है, रिवैल्यूएशन अलग है और ये लॉस अलग है. करना वाया पीएनएल एडजस्टमेंट में, याद रखना 2015 का प्रॉफिट. एंड द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. ये क्या है? ये 20 क्या है? Asset revaluation. This is asset revaluation. Are you able to understand the difference between the two? हमने retirement में भी किया था, याद है आपको? B का remuneration था, 4,000 निकाल के फिर profit loss distribute किया था. तो करना है via PNL adjustment, लेकिन reason दोनों का अलग है. एक होता है आपका revaluation, actual asset liability बढ़ा multiple year profit, और दूसरा होता है आपका current year का change. Current year का profit का change या rectification, वो हो सकता. तो एक इसमें रेक्टिफिकेशन है 2015 वाला, और दूसरा एक्चुअल रिवैल्यूएशन दिखेगा दोनों वाया पीएनएल एडजस्टमेंट. ओके, और जाएगा तुम्हारे पार्टनर कैपिटल ऑफ करंट में इन द पीएसआर. डिवाइड करके दिखाएंगे. प्रिपेयर एन अकाउंट इन द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 30th September 2016 अलॉन्ग विद द नेसेसरी वर्किंग. चलो शुरुआत करते हैं हम नंबर 7. क्या सर, इसमें 1 लाख वाला जो जेएलपी है उसमें सरेंडर वैल्यू नहीं आएगा ना? नहीं, उसमें कैसा सरेंडर वैल्यू आएगा? उसमें तो पूरा क्लेम आ जाएगा ना. जॉइंट लाइफ पॉलिसी तीनों की मिला के 1 लाख रुपए की पॉलिसी है. तीनों की मिला के 1 लाख रुपए की पॉलिसी है. कोई भी मरेगा तो आपको 1 लाख मिलेगा. पीटर मरा, पॉल मरा, पीटर और पॉल दोनों मरे, या पीटर और अगर रिटायर होता तो मिलता. हाँ, अगर कोई भी रिटायर होता और इन्होंने डिसकंटिन्यू करने का सोच लिया है पॉलिसी, तो मतलब सरेंडर वैल्यू मिलता. पूरा 1 लाख पे समझो 30% सरेंडर वैल्यू था, तो 30,000 मिलता था. फर्स्ट वाले 1 लाख पे दे वुड हैव गॉट 30,000 अगर रिटायरमेंट होती तो. और बाकी 50-50-50 तीनों पे उनको सरेंडर 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 मिलती अगर रिटायरमेंट होता तो. सबकी सरेंडर वैल्यू, 1 लाख की भी सरेंडर वैल्यू, 50-50-50 की भी सरेंडर वैल्यू. डेथ हुआ है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में पूरा क्लेम, 1 लाख का पूरा क्लेम, और इंडिविजुअल पॉलिसी में 50 का क्लेम, बाकी 2 का सरेंडर का, पूरा मसाला मिलके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सर, तो जेएलपी लेना एडवाइजेबल होता है? ऐसा कुछ होता है इंडिविजुअल इंश्योरेंस के उस पे? नहीं, डजंट मैटर. देखो उधर पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है, कवर ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा है. इधर पॉलिसी वैल्यू कम है, कवर कम है, प्रीमियम कम. इंडिविजुअल में कम है ना? मम्मी दारो फो दोन दोनों में. उसमें क्या, आपको 1 लाख का पॉलिसी है ना, तो अगर मैं इंडिविजुअल निकालूंगा तो 30-30-30 का रहेगा अप्रोक्स. 1 लाख वाले में मैं समझो 20,000 रुपया प्रीमियम भर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 6,000 भरूंगा, 18,000 ले देके तो काम वही हो रहा है तुम्हारा, खास कुछ डिफरेंस है नहीं. खाली अमाउंट प्रोपोर्शनेट
कम ज्यादा है, कम इंडिविजुअल में कम, टोटल प्रीमियम तो सेम ही आएगा तुम्हारा तीनों का मिला के पे करोगे, उल्टा इंडिविजुअल में थोड़ा फॉर्मेलिटीज बढ़ जाएगा तुम्हारा, तीनों बार करना पड़ेगा, तीनों बार इंश्योरेंस कंपनी को चार्जेस पे करना पड़ेगा, तुम्हारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी में एक साथ वो चार्जेस निकल जाए, तो सस्ता तुमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। देन देखो करंट अकाउंट भी है सब में, करंट अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल भी बनाना है, इधर सिर्फ एक एंट्री अपने को करंट में नहीं करनी है, वो ध्यान रखना है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन में दिया है पीटर मराना, तो पीटर करंट अकाउंट, ये लास्ट सम के जैसा है विथ सम चेंजेस, लास्ट सम का हमने जो किया था कंडीशन वंडीशन फॉलो करके उसके जैसा ही सम है, थोड़ा और उसमें मसाला ऐड किया है, पीटर करंट पीटर कैपिटल, पीटर करंट एंड पीटर कैपिटल, ओके रिवाइल नहीं बनाना, सब बनाऊंगा ना, बाकी सब वर्किंग नोट सब बनाएंगे हम लोग वर्किंग नोट में भी। सबसे पहला तो बैलेंस स्टार्ट करते हैं हम लोग पीटर करंट का, तो बाय बैलेंस बीडी कितना है पीटर करंट, कुछ नहीं दिया तो मैं क्रेडिट बैलेंस अज्यूम करता हूं, पीटर का है 20,000 और कैपिटल में कितना बैलेंस है, दे हैड फिक्स्ड कैपिटल ऑफ हाउ मच, ₹1,00,000 ने तो बैलेंस लिख दिया, करंट में करंट का, कैपिटल में कैपिटल का, मिला 10,000 कितना 10,000 10 आउट सर, पीटर इज 10, पीटर इज 10 एंड बैलेंस इन पीटर कैपिटल इज 1,00,000 बराबर है ना 1,120 एंड 150, सो ये हो गया। डू यू हैव एनी एक्युमुलेटेड रिजर्व्स लॉसेस का इंफॉर्मेशन, करंट का कितना है देखने दो, करंट अकाउंट 20 ही है बराबर है, करंट अकाउंट 20 है और फिक्स्ड कैपिटल 10 है, फिक्स्ड कैपिटल 10 है, कैपिटल 10 है, करंट 20 है, सॉरी perfect, capital is 20 and current is 20 and capital is 10, okay, do you have any reserve losses, kuch hai hota to distribute kar dene ka the PSR, okay, whether or not specified isko share de dene ka, uske baad isko milna chahiye goodwill, abhi main focus aapka goodwill ka profit calculation pe hai, to main bana raha hu yahan pe note number 1 for calculation of goodwill, गुडविल के लिए मेरे पास 3 साल के प्रॉफिट्स हैं और अपने को क्वेश्चन में कंडीशन में भी दिया, वापस पढ़ लो कंडीशन, कंडीशन में दिया है पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 2, हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द लास्ट 3 इयर्स टू 31st December प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ, प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट ऑफ डेथ, डेथ हुई आपकी 2016 में, 2013, 14 एंड 15, 2013, 2014, 2015, 2013, 14 एंड 15, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा लिख देना प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, they are 1,120,000 and 150 respectively, 1,120,000 and 150, ठीक है। अब ये प्रॉफिट में सबसे पहला तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उड़ाओ या अबनॉर्मल योर चॉइस, ओके मैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उड़ा देता हूँ, तो लेट मी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो, यहाँ पे अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 10% ही आया था ना ये सब में भी, 10% ही दिया है, या
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, पॉइंट नंबर 4 में दिया है डेथ के साल में उसको नहीं देना, बाकी 10% है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो कितना आएगा, ए पीटर पॉल, पीटर पॉल एंड प्रिंस, दिस इज 20, 10, 10, 5, 5, 10, 5, 5, तो 10,000 पे 10% फॉर फुल ईयर, दैट इज 1,000. 5,000 पे 10% फॉर फुल ईयर, which is 500, and 5,000 pay 10% for full year, which is 500 rupees. So, har saal aapne itna interest diya hai business ne partner ko, to ye bhi ghata do. So, har saal total interest kitna diya hoga? Aapne 2,000 rupees diya hoga. So, har saal ke profit mein se I am deducting interest on capital, just like we did it previous term. 2,000 rupees, 2,000 rupees, 2,000 rupees. Ud gaya interest on capital, kahan nikala. अब हमें फोकस गुडविल पे रखना है, ठीक है. गुडविल, गुडविल के लिए हमें अबनॉर्मल आइटम्स क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के अबनॉर्मल आइटम्स सबट्रैक्ट करने हैं, राइट. सो अबनॉर्मल आइटम्स में सबसे पहला यहाँ पे लिखना प्रॉफिट ऑन एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अपने को दिया हुआ है 5, 7 and 10, तीनों सालों में पड़े थे 5, 7, 10, वो हटाने हैं आपको. प्रॉफिट ऑन एसेट हटाना है 5, 7, 10 के, अब नॉर्मल है, हर साल नहीं होगा. और क्या हटाना है, इंश्योरेंस क्लेम. इंश्योरेंस क्लेम कितना है, 3 and 12 है, 3 इन द ईयर 2013 एंड 12 इन द ईयर 2015. बस और कुछ बाकी है प्रॉफिट्स में चेंज करना है, खत्म. कितने थे आपका वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज था, इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज था वो रेक्टिफाई भी आपको करना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढने के लिए. किसी किसी समय हम लोग रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स ढूंढते थे, तो यहाँ पे वो रेक्टिफिकेशन भी है, अबनॉर्मल आइटम भी है, तो रेक्टिफिकेशन वाला भी करना पड़ेगा अपने को 6,000. तो एसेट्स भी आएगा रीवैल्यूड अपवर्ड्स वाले, एसेट्स रीवैल्यूड अपवर्ड्स वाले है ना. यूजुअली हम गुडविल में वो भी लेते हैं, आप जब इंटर में करोगे ना तो ये गुडविल वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में आने वाला है. लॉजिक इज ट्रू, क्योंकि हमने देखो एसेट को अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी रिवैल्यूएशन में चेंजेस किया है हमने, वो एक्चुअली क्या है, पिछले सालों के प्रॉफिट और लॉसेस है, एक साथ हम लोग इफेक्ट दिखा रहे हैं. दे आर पिछले सालों का प्रॉफिट और लॉस, तो दे बिलोंग समवेयर टू दीज प्रॉफिट्स. रिवैल्यूएशन के भी आइटम्स हम लोग गुडविल में कंसिडर करते हैं. अगर आपको स्पेसिफाई करके दिया ये साल में फर्नीचर इतना अंडर वैल्यू था, ये साल में बिल्डिंग इतना ओवर वैल्यू था, तो वो भी हम लोग ले लेते हैं नॉर्मल वैल्यूएशन में. बट यहाँ पे आपको नहीं है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन और गुडविल को अलग रखना है. ओके, you assume that those changes are accounted for, usko tension lene ki zarurat nahi, ignore those changes. Okay, but higher standards mein aage jaake ye bhi aur complications badhne wale, valuation of goodwill, valuation of shares mein you will learn. Wapas aayega inter mein, wapas admission, retirement, death hai, usme aapko in between the year admission hai, in between the year retirement hai, 6 mahine baad admit hoega, 3 mahine baad ek retirement hoega, ek hi saal mein admission retirement in between hai, wo sab problems hai. और प्लस अभी ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर्स में यू विल लर्न पिछले सालों के प्रॉफिट. लॉजिकली यू आर राइट कि भैया गुडविल कर रहे हो तो पिछले साल के नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, तो पिछले साल में जो भी रीवैल्यूएशन के अपवर्ड डाउनवर्ड चेंजेस हैं वो भी इन प्रॉफिट में अकाउंट होने चाहिए, वो हम करते भी हैं. पिछले कोई साल का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया तो विल डू दैट. रीवैल्यूएशन का पार्ट भी कंसिडर फॉर प्रॉफिट्स ऑफ गुडविल, यस ट्रू, बट यहाँ पे मत करना, यहाँ पे इग्नोर करना है वो आइटम्स. ओके, तो यहाँ तक ही लेना आपका रेक्टिफिकेशन एंड योर अबनॉर्मल आइटम्स, एंड देन गेट योर फाइनल प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स आफ्टर रेक्टिफिकेशन लिख दो, प्रॉफिट्स आफ्टर रेक्टिफिकेशन एंड अबनॉर्मल आइटम, प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन एंड अबनॉर्मल आइटम.
प्रॉफिट में से होगा ना 6000 लेस प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट शेयर वो काउंट कर लो प्रॉफिट शेयर नहीं ये पहले ही कर लो ना ये मैं क्या कर रहा हूँ फाइनल प्रॉफिट दिखा रहा हूँ तुमको 2015 का फाइनल प्रॉफिट है ना ये सब फाइनल प्रॉफिट है एडलेस करने के बाद फिर एवरेज करेंगे प्रॉफिट शेयर की बात कर रहा हूँ हम लोग जब प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे हाँ करना ही पड़ेगा यस करेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढना है ना यस प्रॉफिट शेयर जो आप पीएनएल सस्पेंस कैलकुलेट करने वाले हो उसमें भी ये 6000 आएगा और ये 2000 भी आएंगे बट उसमें ये आएंगे क्या प्रॉफिट ऑन एसेट एंड इंश्योरेंस क्लेम आएंगे आपके नहीं वो अबनॉर्मल आइटम खाली गुडविल के लिए ये दोनों रेक्टिफिकेशन जैसा था ये अनरिकॉर्डेड एंट्री थी और ये रेक्टिफाई किया तुमने 6000 को अंडर चार्ज किया समझा तो वो दोनों लेना पड़ेगा इन योर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो पीएनएल सस्पेंस में यस खाली ये गुल हो जाएगा आपका क्लेम और प्रॉफिट गुल हो जाएगा परफेक्ट तो 1 लाख -2 -5 -3 कितना आता है 90000 आ रहा है ये आपका 90000 फर्स्ट कॉलम profits after rectification abnormal 1,11,000 बाद में दूसरे वाले का 1,11,000 ओके 1,20,000 एंड 1,20,000 सो इफ यू टोटल देम अप व्हाट आर यू गेटिंग 3,21,000 सो दीज आर माय टोटल प्रॉफिट सो आई नीड माय एवरेज ऑफ 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट्स वुड बी 321 डिवाइडेड बाय 3 Which is I think 1,07,000. 1,07,000 are my average profits. Agree. Now, goodwill is equivalent to I think 2 years purchase. So total goodwill is equal to 2 × 1,07,000. That is 2,14,000. 2,14,000 है. उसमें अपने को पीटर का शेयर चाहिए. PSR दिया हुआ है अपने को कुछ चेक करो. 2:1:1 yeah okay so Peter's share will be 2,14,000 mein 2/4 which is 1,07,000 again I think half and this will be shared this 1,07,000 abhi NR ke bare mein kuch nahi diya I think NR GR SR OR sab same hai so between Paul and Prince 53,500 the ratio of what 1:1 yeah perfect 53,500 ये आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंट्री क्या बनेगी वो भी कर लो आपका पीटर पॉल सॉरी पॉल प्रिंस टू पीटर पॉल प्रिंस टू पीटर द गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग वन पॉल प्रिंस टू पीटर बट इट विल गो इन विच अकाउंट कैपिटल और करंट बराबर करंट लगेगा करंट बाय पॉल कैप की बाय पॉल करंट दिमाग लगाओ करंट सबका करंट ही है भैया पॉल करंट एंड बाय प्रिंस करंट बाय पॉल करंट बाय प्रिंस करंट अकाउंट दिस इज योर शेयर ऑफ गुडविल दैट इज हाउ मच 53,500 ईच 53,500 ये हो गया आपका गुडविल अब जाते हैं हम लोग रिजर्व हो गया कैपिटल करंट बैलेंस गुडविल हो गया और क्या क्या देना है उसको देखते जाओ अभी उसको देना है शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है अपने को शेयर ऑफ प्रॉफिट का नोट बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएनएल सस्पेंस अभी ये समय पीएनएल सस्पेंस आएगा कि नहीं बताओ जरा दिमाग लगाओ आएगा भैया आएगा लास्ट लाइन पढ़ो सब कुछ उसको कब खत्म किया है 30th September को लास्ट समय 31st December को सेटलमेंट किया था यहाँ पे 30th September है डेट ऑफ डेथ है तो ऑब्वियसली पीएनएल सस्पेंस बनेगा और यहाँ पे कोई बांछोड़ नहीं है पूरे साल का शेयर नहीं है देखो पढ़ो इंस्ट्रक्शन में रीड पॉइंट नंबर 3 पढ़ो His share of profits from the beginning of the accounting year to the date of retirement or death, which shall be taken on the proportionate basis of the profits of the previous year, has increased by 25%. So, इसको भैया पूरे साल का नहीं देना है, 9 महीने का ही देना है, ये याद रखना, ठीक है?
So working note for share of profit, P&L suspense. Is it based on 2-year average, 3-year average, 1-year average? Which year? Which year? Last year plus 25. Last year. Just last year and increased by 25%. So पहले तो हम लोग जाते हैं last year के profits पे. 2015 का भी एकदम आसानी से मिलेगा नहीं, थोड़ा मगजमारी है इधर. 2015 का मेरे को मालूम है profit before interest on capital is how much? 1,50,000, right? Profit before interest on capital was 1,50,000. इसमें से मुझे क्या माइनस करना चाहिए to arrive at the accurate profit of last year? Interest on capital. देखो, आपके ये सब जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे, अग्री? अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हो और ये 6,000 भी करना है माइनस, रेक्टिफिकेशन वाला प्रॉफिट था, ये 6,000 भी माइनस होगा और ये 2,000 भी माइनस होगा, ये 10 और 12 माइनस नहीं होगा. ये क्यों नहीं होगा, समझ में आई बात? क्योंकि वो दोनों क्लेम और अब नॉर्मल आइटम था, उसको कोई टेंशन नहीं है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. अब वो लोग ने ना एक और क्लॉज डाला हुआ था अग्रीमेंट में जो मैं पढ़ता हूँ, पॉइंट नंबर 3 में पढ़ो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट नंबर 4 में, या इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल्स टू बी टेकन एट 10% दो पेएबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेएबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट. तो अगर आप यहां पर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देते हो और फिर 25% ऐड करते हो तो आप वापस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने आफ्टर इंटरेस्ट का प्रॉफिट्स लिया हुआ है. वो समझ में आई बात? अगर मैं बिफोर इंटरेस्ट का प्रॉफिट लेता हूं उसको मैं 25% से बढ़ाता हूं और फिर मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूं तो वो जेन्युइन गिना जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका सेम नहीं है. हर साल आपने 2,000 माइनस किया लेकिन इस डेथ और रिटायरमेंट के साल में आर वी गोइंग टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द डेड और रिटायरिंग पार्टनर? नो. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर? जीरो. सब थोड़ी मर गए यार. 1,000. सब रिटायर हो जाते, किसी को कुछ नहीं देना है तो जीरो. यहाँ पे तो एक गया ना तो उसका इंटरेस्ट नहीं देना है, बाकी दो को तो देना पड़ेगा. तो कितना देना पड़ेगा अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये रहा 500 1,000 रुपया. मैं आया बात? तो इधर आप सीधा जंप मार के फाइनल प्रॉफिट में मत पहुंच जाओ. आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 25% से, बराबर है, आफ्टर इंटरेस्ट का मत ले लेना. आफ्टर इंटरेस्ट का ले लोगे ना तो फाइनल प्रॉफिट ले लिया आपने, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर ही नहीं पाओगे लेकिन गड़बड़ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि पिछले वाले साल में 2,000 माइनस करना था, ये साल में 1,000 रुपया माइनस. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? अगर वो क्लॉज नहीं होता ना कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल 2,000 ही देना है, इस साल भी सबको देना है, मर गया तो मर गया उसको भी 2,000 देना है, तो फिर करो बिंदास. तो फिर क्या करो, 150 माइनस 2 माइनस 4 144 प्लस 25% और फिर 9 महीना खत्म. फिर कोई टेंशन नहीं है. समझा मैंने क्या बोला? अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक साल में सेम देना होता तो कोई टेंशन नहीं थी, तो आप 2,000 माइनस करो, 4,000 माइनस करो, फाइनल प्रॉफिट लो, 25% से बढ़ाओ और डिस्ट्रीब्यूट कर दो 9 महीने का, रिटायरिंग पार्टनर डेट पार्टनर को शेयर दे दो. बट यहाँ पर क्या है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ही चेंज हो रहा है. लास्ट ईयर 2,000 था, ये साल अभी 1,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले माइनस मत करना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू डोंट टेक दैट 25% ऑन प्री इंटरेस्ट कैपिटल, पोस्ट इंटरेस्ट कैपिटल, यू टेक इट ऑन प्री इंटरेस्ट कैपिटल. 25% इंक्रीज प्री इंटरेस्ट पे करो, फिर 1,000 रुपया माइनस करो, फिर एक्चुअल प्रॉफिट. I'll show it to you. Profit before charging interest on capital was 1,50,000 less वो अपना क्या था, 6,000 रुपया insurance वाला, insurance rectified undercharge जो भी बोलो, तो वो 6,000 रुपया गया, तो बचा कितना, 144. तो 144 is your final profit before interest. Final profit before interest. Got it? अभी इसको increase it by 25%. आपका काम 25% से बढ़ा, आपका profit 25% से बढ़ा, तो 25% से आपका profit बढ़ के कितना हो जाएगा, 144 plus 25%. 1,80,000. Now is this interest before? Is this profit before interest or after interest?
बिफोर इंटरेस्ट. अभी व्हाट इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट करंट ईयर का? 1000. कैसा 1000? इट इज ओनली फॉर पॉल एंड प्रिंस. पीटर वाला नहीं आएगा. 1000 रुपया फाइनली आपका मिलेगा प्रॉफिट 1,39,000. दिस इज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. समझ में आई बात? क्लियर? और ये 18,000 25% 144 है ना? फाइनल 25% इंक्रीज. हाँ, 144,000 का 25%. 144,000 का 25% इंक्रीज ऑफ 25% ऑन प्रॉफिट. सो इंटरेस्ट मैंने क्यों माइनस नहीं किया, ये बात समझ में आई आपको? 25% ऐड किया. अच्छा, मैंने ये अमाउंट साथ में लिखा हुआ है, आई विल जस्ट शो इट सेपरेट. 25% आपने ऐड किया तो 36,000, तो यू गेट 1,80,000 माइनस 1,179. पहले इंटरेस्ट क्यों माइनस नहीं किया, बाद में क्यों किया, समझ में आया बात? क्योंकि इंटरेस्ट अलग अलग था ना दोनों सालों में. पहले ही माइनस कर देते तो फिर माइनस करने लायक रहता ही नहीं. 2000 आप माइनस कर देते और 25% ऐड कर देते तो फिर खत्म. फिर फाइनल बाद में वापस 1000 माइनस करते, डबल काउंटिंग हो जाएगा. समझा कि नहीं? प्रॉफिट्स आपका बढ़ रहा है, मतलब आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी सेल्स वगैरह बढ़ा है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा है. इंटरेस्ट तो पिछले साल 2000 था, इस साल 1000 है. तो पिछले साल 2000 इंटरेस्ट माइनस करना था, इस साल 1000 ही करना है. तो मैं 1000 माइनस किया तो गेट द एक्यूरेट प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर 179,000. अगर आपका प्रॉफिट, अगर आपका इंटरेस्ट हर साल 2000 होता, इस साल भी 2000 होता, तो आप कैसे करते बता सकते हो? अगर हर साल आप 2000 का इंटरेस्ट माइनस करते, इस साल भी 2000 का माइनस करते, इंश्योरेंस के बाद 2000 सबट्रैक्ट करके फिर 25, तो फिर आपका होता 142 + 25%. ये आता आपका जो भी आंसर है, 142 + 25%, दैट वुड हैव बीन योर आंसर अगर हर साल इंटरेस्ट कंपोनेंट सेम होता तो. समझा कि नहीं? अच्छा, 1,42,000. हाँ, इधर चाहिए तो मैं लिख भी देता हूँ, 1,42,000 + 25% अगर हर साल इंटरेस्ट होता सेम तो. अभी 179 किसका प्रॉफिट है, बिजनेस का, पीटर का, पॉल का कि प्रिंस का? बिजनेस का. बिजनेस का है ना, तो बिजनेस में से अपने को क्या करना है, पीटर का शेयर निकालना है. एंड दैट टू फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ओनली 9 मंथ्स. पीटर शेयर विल बी व्हाट, 179,000 का 2/4 का 9/12 करंट में कि कैपिटल में? करंट में 67125. That is the share of profit. That's a share of profit. Is that clear? Okay. तो क्या अलग किया यहाँ पे मैंने, समझा आपको? 25% बढ़ाना था. फाइनल प्रॉफिट सब झंझट मारी के बाद दे दिया होता तो जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की, सीधा 25% ऐड करते, शेयर और मंथ्स ले लेते. क्योंकि यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट दिया था और इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट अलग थे दोनों जगह पे, इसलिए मैंने शुरू में इंटरेस्ट 2000 माइनस ही नहीं किया. मैंने क्या किया, खाली 6000 माइनस किया, प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिया, 25% बढ़ाया. लास्ट ईयर 2000 था, इस साल 1000 था, तो मैंने 1000 रुपया माइनस किया, आई गॉट 179. गॉट इट? नाउ लेट्स प्रोसीड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है पीटर को इस साल में, बताइए. Are we supposed to give any interest on capital to Peter? No. Goodwill दे दिया, reserve नहीं है, PNL suspense हो गया. और क्या कुछ देना है? क्या और कुछ देना है? Yes, कुछ देना है. क्या देना है? क्या देना है बताओ मुझे.
जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी शेयर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। तो पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं हाउ मच मनी आर वी गोइंग टू रिसीव। ओके, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जेएलपी एंड आईएलपी, पीटर, पॉल, प्रिंस, जेएलपी। पहले तो जेएलपी को उड़ाओ, जेएलपी से कितना पैसा आएगा सिंस देयर इज अ डेथ, हाउ मच मनी आर वी गोइंग टू रिसीव? 1 lakh rupees, नो टू थॉट्स अबाउट दैट। What about the individual policies of 50,000? How much you will get from Peter's policy? 50,000. Full money. 50,000. How much you will get from Paul and Prince ka individual policy? 50,000 ka. 30% is the current. This 15,000. This claim value. This is claim value. This is surrender value. This is also surrender value. 15,000. So, mila ke total paisa kitna aayega? 1,80,000. 1,80,000 mein batega kaisa? It will be divided between Peter, Paul, and Prince in the PSR, which is what? 2:1:1. That is 90,000. 45,000 and 45,000. So I think 90,000 should go to Peter, right? PSR में entry क्या होगी इसकी बता सकते हो? Asset है कि expense method है? Expense method दिया है, expense were debited to PNL. Expense method में what is the entry याद आया? Bank to policy, policy to capital. इधर क्या होगा? पॉलिसी टू कैपिटल की जगह पॉलिसी टू क्या? करंट। बाय लाइफ पॉलिसी कॉमन एंट्री लिख सकते हो दोनों का, बाय लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जेएलपी आईएलपी दोनों आ गए इसमें। ओके, लाइफ पॉलिसी शेयर, लाइफ पॉलिसी शेयर, एंट्री सेम फॉर बोथ, बैंक टू लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी टू कैपिटल, आएगा इसको 90,000। That's it, 90,000 उसका पॉलिसी शेयर दे दिया। और क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कुछ नहीं देनी है। ड्रॉइंग्स है क्या उसका? ड्रॉइंग्स है, टू ड्रॉइंग्स। कितना आएगा उसका ड्रॉइंग्स? कितना है ड्रॉइंग्स चेक करो? 10,000 आर द ड्रॉइंग्स। और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो है नहीं। रीवैल का प्रॉफिट, रीवैल बाकी है भैया, रीवैल बाकी है। रीवैल, रीवैल कौन बनाएगा? हमारा पड़ोसी नहीं, हम ही बनाएंगे। रीवैल अकाउंट बना लो, रीवैल को नाम देना एडजस्टमेंट, रीवैल को नाम देना पीएनएल एडजस्टमेंट। अभी ये पीएनएल एडजस्टमेंट में भी है ना थोड़ा झोल है यहाँ पे। क्या झोल है कोई बता सकता है मुझे? ये पूरा का पूरा पीएनएल एडजस्टमेंट एक साथ करंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बोलो, दिमाग चल रहा है उसमें? 6,000 का भी डाल रहा है ना। देखो रीवैल के टोटल आइटम, पीएनएल एडजस्ट में आइटम कितने डालने हैं ये बताओ। हाउ मेनी आइटम विल कम इन पीएनएल एडजस्टमेंट? टू आइटम्स। One is of that 20,000 upward revaluation, and one is of that 6,000 rectification in the previous year's profits, right? Both should be divided between all the three partners in PSR, normal. But upar dekho kya diya hai? All assets are to be revalued. Point number 4. All assets are to be revalued, and the date of retirement and death, and the profit and loss debited or credited to the capital accounts in the profit sharing ratio. तो क्या हम पूरा का पूरा 24 जो भी है 20+4 का प्रॉफिट या लॉस पूरा का पूरा कैपिटल में डाल दें, कि पूरा का पूरा करंट में डालें, क्या करें? पार्टली कैपिटल है, पार्टली करंट। ये 20,000 आएगा वो कैपिटल में आएगा ना? हाँ। और वो 6,000 आएगा करंट में, वो करंट में जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं अलग अलग, समझ में आई बात? क्योंकि जो डाउनवर्ड अपवर्ड रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ना वो कैपिटल में डालना है, बट जो रेक्टिफिकेशन का प्रॉफिट है दैट 6,000 वाज नॉट रिवैल्यूएशन। डिड यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? 6,000
जो प्रीमियम था अंडर चार्ज प्रीमियम दैट वॉज नॉट रिवैल्युएशन दैट वॉज योर रेक्टिफिकेशन इन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. पहले हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में कुछ नहीं दिया है ना, सब कुछ रिवाल में डाल के सब कुछ करंट में डाल देते, टेंशन नहीं. इधर भी कर सकते थे क्योंकि वो अगर कंडीशन नहीं होता तो. यहाँ पे अपने को रिवैल्युएशन की कंडीशन डाली है, तो रिवैल्युएशन वाला प्रॉफिट कैपिटल में और 4000 वाला जो भी प्रॉफिट लॉस है वो करंट में. तो मैं दोनों को अलग अलग बता रहा हूँ. पहले मैं अपवर्ड रिवैल्युएशन में खत्म कर रहा हूँ. क्या अपवर्ड रिवैल्यू किया? 20,000 फिक्स्ड एसेट्स, राइट, एसेट्स. तो बाय सन्ड्री एसेट्स, तो बाय सन्ड्री एसेट्स लिख देता हूँ मैं, फिक्स्ड एसेट्स नहीं दिया कुछ. बाय सन्ड्री एसेट्स 20,000. This 20,000 I am transferring it to partner capital account. This 20,000 I am transferring it to partner capital account. Okay. Peter, Paul, and Prince. Peter, Paul, and Prince. In the PSR 211 में कर दो. कितना आता है ये? 211 मतलब 10, 5, 5. इसको बंद करो 20,000. ये अलग करो और फिर वो जो लॉस है उसका एंट्री क्या होगा? पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट की पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट? डेबिट. डेबिट, दैट्स योर लॉस, राइट? पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट जो भी था तुम्हारा इंश्योरेंस अंडर चार्ज्ड, अंडर चार्ज्ड कितने से? 6,000 से. इंश्योरेंस अंडर चार्ज्ड 6,000 या टू इंश्योरेंस भी लिख सकते हो डायरेक्टली एज योर एक्सपेंस. बेसिकली हमने दो एंट्री मार दी है. ओके, पीएनएल टू इंश्योरेंस एंड देन यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर बाय पार्टनर कैपिटल की बाय पार्टनर करंट, बाय पार्टनर करंट. ओके, सो बाय पार्टनर करंट दैट विल बी 20,000 Instead of passing P&L adjustment to current, I have done two entries. P&L adjustment to insurance, partner current to P&L adjustment. Net entries insurance to directly partner current. चला गया, distribute हो गया loss के form में. और फिर उसको pay off किया है वहाँ पे. तो insurance में एक जगह आ जाएगा two bank. Insurance में two bank pay off किया है और by P&L adjustment. P&L adjustment में two insurance. चाहिए तो insurance का भी account देख लो. इंश्योरेंस का अकाउंट है, इसमें ये टू बैंक 6,000 पे किया और बाय पीएनएल एडजस्टमेंट क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट में चेंज किया था, ये चला गया पीएनएल एडजस्टमेंट में और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में 3,000, 1,500 and 1,500. ओके, करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा तुम्हारा पार्टनर करंट में, ये वाला जाएगा आपका पार्टनर करंट में टू P&L adjustment account insurance rectified. ये rectified entry है insurance का 3,000 का loss और ये जाएगा by P&L adjustment account. This is your reval का profit share. Reval का profit share of 10,000. अरे ये झंझट मारी नहीं दिया था ना reval का, तो सब कुछ हम लोग last year का profit बोलो या फिर रेक्टिफिकेशन बोलो या फिर रिवैल बोलो, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो कर देते. करंट है तो करंट, कैपिटल है तो कैपिटल, इस समय सब कुछ करंट में डाल सकते थे. दिस इज 6,000, दिस इज योर छोटू सा रिवैल. तो पीएनएल एडजस्टमेंट तीन जगह पे हम लोग यूज कर चुके हैं, याद है आपको? पीएनएल एडजस्टमेंट कैन बी यूज्ड एट थ्री डिफरेंट प्लेसेस. नंबर वन, रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रीवियस ईयर. Number two, making changes in the profits of previous year. That is as good as rectification. Number three, revaluation. पिछले सालों के profits को आपको change करना है, rectify करना है, change करना है, P&L adjustment. Revaluation करना है तो भी P&L adjustment. Okay? दोनों में क्या फर्क होता है? Rectification आपके particular year के profits को affect कर सकते हैं. But revaluation आपके over the years के profit को affect करेंगे. समझ में आया difference? P&L adjustment, rectification आपके particular year के profits को affect कर सकते हैं. बाकी revaluation will affect all the profits. जाएंगे दोनों capital में. P&L adjustment ultimately capital में ही जाता है. यहाँ पे question में क्योंकि revaluation capital दिया था, इसलिए हमने capital में डाला.
दूसरा वाला भी कैपिटल में ही जा रहा है, वाया करंट कैपिटल में जाएगा, पहले करंट में जाएगा फिर कैपिटल में जाएगा, खाली प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं। ओके, तो ये खाली बाल की खाल उधेड़ने जैसी बात है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, खाली प्रेजेंटेशन का चीज है। ओके, मेन चीज आपको क्या समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट क्या है, जो आपका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू नेचर का, वो नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में दिखते रहता है। सडनली आपने कोई लमसम चेंज कर दिया तो पीएनएल में नहीं दिखता, पीएनएल एडजस्टमेंट में दिखता है, वाया दैट डायरेक्टली कैपिटल में जाता है, दैट इज रिवैल्यूएशन। लमसम चेंजेस जो करते हो वो डायरेक्टली रिवैल्यूएशन, कैपिटल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं, इज दैट क्लियर। वो अगर आप पीएनएल में दिखा दोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी इफेक्ट हो जाएगी, कंपेरेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी, यू कांट डू दैट, यू गेट इट। वो मेन डिफरेंस है, कैपिटल प्रॉफिट्स रिवैल्यूएशन, रेवेन्यू प्रॉफिट्स पीएनएल। बाकी प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट खोला, रेक्टिफिकेशन के लिए खोला, रिवैल के लिए खोला, जाएगा सब कुछ कैपिटल में, तो सब कुछ कैपिटल में ही डालना है, डायरेक्टली डालो या वाया करंट डालो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, देन और कुछ है, बाकी खत्म हो गया, अभी रिवैल भी हो गया, रीड कर लेना पूरा सम, कुछ छूट ना जाए। Everything has been covered. You can calculate your balance in current. Tell me the total. 284,125. And what is the difference? 271,125. ये जाना चाहिए किसको? टू पीटर्स कैपिटल, पीटर कैपिटल में आ जाएगा बाय पीटर्स करंट, 271,125. Finally, 2 Peter's Executor's Loan Account. Now, Raye, 291,125. That's your solution. Isme there is one mistake. Module ka hi sum hai. Module mein ek mistake kiya hai. कहाँ मिस्टेक किया है? यहाँ पे मिस्टेक किया है, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में दे हैव रिवाइज प्रॉफिट के वक्त 1,000 रुपीज ये लोग ने माइनस किया है प्रॉफिट में इंटरेस्ट का पहले, एंड फिर 25% ऐड किया, दैट इज अ रॉन्ग वे। प्री आप इंटरेस्ट माइनस करके फिर नहीं कर सकते, प्री इंटरेस्ट का सेल्स बढ़ा है इसके लिए प्रॉफिट बढ़ा है, तो प्रॉफिट्स पहले 25% से इंक्रीज करना है और फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस। One small mistake is there. बाकी सब right ही है, देख लेना फिर भी जब revise करोगे तब। ये वाला clear है आपको? बस I think आज के लिए इतना काफी है। और अपन का अपना sums कौन सा बचता है? I think sum number 15 बाकी है, right? सम नंबर 15 बाकी है एंड सम नंबर 1 बाकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज चेक। दो सम बाकी है अपना, 15 और 1, प्लीज चेक। आई हैव 11 बाकी। कौन सा? 11 11th कैसे छूट गया? 11 राजेंद्र संगीता संध्या बाकी है क्या? पक्का? हाँ बाकी है। चलो तो फिर राजेंद्र संगीता संध्या वाला होमवर्क है 11th सम, राजेंद्र संगीता संध्या वाला इज फॉर होमवर्क 11th सम, ठीक है? 11th सम आपका होमवर्क है, एक ही सम है, शाम तक दिखा देना। अच्छा रिटायरमेंट वाला आया, पेपर का प्रॉब्लम, उसमें किसी को डाउट? रिटायरमेंट वाला पेपर का प्रॉब्लम जमा सबको? पेपर के प्रॉब्लम जम रहे हैं, बाकी कैपिटल रेवेन्यू एडमिशन जमा सबको? पक्का? डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना, एकदम मैनेजेबल है सब, गुड। अच्छा अभी सुनो, दो सम हम लोग कल वाइंड अप करेंगे, कल मैं एडीडी भी स्टार्ट करूंगा, चिंटू चिंटू है वो, तो गुडविल और छोटा सा सम है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सम आज हमने कर लिया डेथ का, यही है कहानी, राम कहानी। ओके, और कंसेप्ट पढ़े कि नहीं आपने? दो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए थे, एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पढ़ा? हीरो हीरोइन लोग कैमरा ऑन करो, पढ़ा कि नहीं? समझा कि नहीं? एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट,
थर्ड कंसेप्ट, पांच मिनट में कर रहा हूं डिस्कस, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताओ. बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हैज नो इंटेंशंस टू क्लोज डाउन और रिड्यूस इट्स साइज ऑफ ऑपरेशंस. करेक्ट. देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज और रिड्यूस. व्हाट इफ देयर वाज एन इंटेंशन. क्या अगर होता, अगर एक साल में बिजनेस बंद हो जाता तो क्या ड्रास्टिक चेंज हमें करना पड़ता. हम नॉर्मली करते हैं रोटेशन उससे. अगर आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चल रहा है और अगर आपका बिजनेस एक ही साल में बंद होने वाला है तो इसमें मेजर चेंज आप क्या करोगे. बैलेंस शीट में क्या चेंज करोगे. आपका बिजनेस अभी अगले साल बंद होने वाला है तो बैलेंस शीट आप कैसे बनाओगे. देखो नॉर्मली आप जो एसेट्स खरीदते हो से लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट. मैंने लैंड खरीदी है 5 लाख रुपए. ओके okay? मैं सोच बिजनेस चलेगा 10-15 साल और कल उठ के लैंड की वैल्यू हो गई 6 लाख 5.5 लाख 4.5 लाख 4 लाख. विल आई कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यू अगेन एंड अगेन ऑफ लैंड. नो, बिकॉज आई नो आई एम नॉट गोइंग टू सेल दैट एसेट. आई एम गोइंग टू कीप इट एज इट इज फॉर मी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. राइट. वी डू दैट विद स्टॉक बिकॉज स्टॉक इज अ करंट एसेट व्हिच इज टू बी सोल्ड वेरी नेक्स्ट ईयर. सो वी वैल्यू इट एवरी ईयर एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लेस. बट आई वोंट डू दैट विद माय फिक्स्ड एसेट्स. राइट. बिकॉज इट इज गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So, in that situation, अगर मेरा बिजनेस एक ही साल में बंद होने वाला है, मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट ईयर क्लोज करने वाला हूँ और अभी लैंड की वैल्यू 5 लाख की खरीदी हुई लैंड की वैल्यू अभी 3 लाख हो गई है तो मैं अपनी बैलेंस शीट में लैंड कितना दिखाऊंगा. 5 लाख या 3 लाख. 3 लाख. Then I will suddenly bring all the assets and liabilities to the current market value because I know ये बिकने वाले हैं. तो इसमें जो गेन या लॉस है अभी का अभी खत्म करके दिखा दो भैया. इसको बुक वैल्यू पे लेके आओ. ऑब्वियसली गेन नहीं दिखाऊंगा, लॉस तो एडवांस में ही दिखा दूंगा ड्यू टू कंजर्वेटिज्म. आई विल शो दोस लॉसेस इन एडवांस. गेन आई वोंट शो बट लॉसेस आई इमीडिएटली शो. आई विल ब्रिंग डाउन ऑल द एसेट्स टू देयर एनआरवी इमीडिएटली अगर मेरा बिजनेस नेक्स्ट ईयर बंद होने वाला है तो. लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर बंद नहीं होने वाला है तो फिर हर साल हम लोग वैल्यू नहीं करते. बताए फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन में क्या था. 5-6 साल में एक बार आप रिवैल्यू करते हो. बहुत कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड है और बहुत कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ट्रेंड है तब आपको रिवैल्यू करना है अपवर्ड या डाउनवर्ड. याद है साल दर साल हर साल नहीं करना है. इट विल ऑलवेज अफेक्ट द कंसिस्टेंसी. यू आर नॉट गोइंग टू सेल एनी एसेट. फोकट के आपका प्रॉफिट जंप करते रहेगा. गोइंग कंसर्न का मतलब समझ रहा है. आपका एसेट में स्मॉल स्मॉल चेंजेस आर इग्नोर्ड. You simply record them at cost and you show that written down value year on year. You don't again and again change the value at the year end. You're not going to sell those assets at the end of each year. But in case of going concern, band hone ka time pe, dissolve hone ka time pe, all the assets and liabilities will be shown at their NRVs, net realizable value at the year end. Dusra important point hota hai going concern ka kya hota hai. आप अगर गोइंग कंसर्न हो तो आप प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव इन एडवांस जरूर दिखाओगे क्योंकि आपको मालूम है नेक्स्ट ईयर बिजनेस चलेगा. नेक्स्ट ईयर प्रीपेड एक्सपेंस से पैसा बेनिफिट आएगा. जो इनकम रिसीव इन एडवांस है उसका हम लोग बेनिफिट देंगे. आपको पता है अभी अगले साल बिजनेस बंद होने वाला है. विल यू पे एनी एक्सपेंस इन एडवांस. सवाल ही नहीं है. क्या मतलब है? आपको मालूम है आप बेनिफिट लेने वाले ही नहीं उसका. बिजनेस तो बंद होने वाला है. सो देर विल नॉट बी एनी प्रीपेड एक्सपेंस. अच्छा विल देर बी एनी इनकम रिसीव. आप किसी से एडवांस में पैसा लोगे. आप अगर विजय मल्या और नीरव मोदी और प्लेयर भी लोगे और लेके भाग जाओगे. लेकिन नॉर्मल बिजनेस में ये फ्रॉड गिना जाएगा क्योंकि गोइंग कंसर्न अगर बंद होने वाला है, अगर बिजनेस बंद होने वाला है, यू कैन नॉट रिसीव एनी इनकम क्योंकि आप सर्विस डिस्चार्ज करने वाले ही नहीं हो नेक्स्ट ईयर. तो ये चीजें बंद हो जाएगी आपकी. गेटिंग द पॉइंट. तो वैल्यूएशन चेंज हो जाएंगे, इनकम बंद हो जाएगा, प्रीपेड बंद हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग आप रख सकते हो लेकिन आपको प्रोवाइड उसका ईयर एंड से पहले आपको ड्यू डेट के डेट पे आपको डिस्चार्ज करके बिजनेस बंद करने से पहले पे ऑफ करना पड़ेगा. ऑलराइट. सो ये सब चीजें गायब हो जाएंगी. आपके फ्यूचर एसेट फ्यूचर लायबिलिटी गुल हो जाएंगे और आपके एसेट्स और लायबिलिटीज एनआरवी पे आ जाएंगे अगर गोइंग कंसर्न अबॉलिश हो जाता है तो. और एक फंडामेंटल कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न का कि गोइंग कंसर्न क्या बोलता है. बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 15-20 साल. तो विल वी वेट फॉर 15-20 इयर्स टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस. नो.
So for that reason, we divide them into suitable time periods, generally a year or 3 months in case of companies. So ये जो division होता है time period का, इसको कहा जाता है periodicity का. जो long business life है, उसको हमने short time period में divide कर दिया है, as per our convenience. General convenience की वजह से 12 महीना है. Otherwise आपका मर्जी उतने time में profit loss करो. 6 महीने का P&L बनाओ, 6 महीने का calculator. 9 महीने का बनाओ, 9 महीने का calculator. 15 महीने का बनाओ, 15 महीने का. जितने टाइम का करना करो. जनरली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर कैलकुलेटेड फॉर अ टाइम स्पैन ऑफ 1 year एंड फॉर 3 months इन केस ऑफ कंपनी. सो दिस डिवीजन ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी कंसर्न. ये छोटा सा हिस्सा है गोइंग कंसर्न का, जस्ट टू डिवाइड योर टाइम स्पैन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट वी कैन ईयर ऑन ईयर कंपेयर द प्रॉफिट्स. इज दैट क्लियर? सो थियोरेटिकल कंसेप्ट से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. समझ में आ गया बात? गोइंग कंसर्न और पीरियोडिसिटी का लॉजिक बैठा दिमाग में. इसी के ऊपर एक और कंसेप्ट है अक्रूवल. ये भी किया हुआ है आपने. व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट बताओ मुझे. व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट स्टेट? व्हाट डज अक्रूवल कंसेप्ट स्टेट? शो योर एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑन व्हाट? अर्नड बेसिस, इनकर्ड बेसिस और पेड एंड रिसीव्ड बेसिस? अर्नड एंड इनकर्ड. अर्नड एंड इनकर्ड बेसिस. इसका मतलब आपने नट्टू काका को साल की 1 लाख रुपए सैलरी दी है. उसकी सैलरी होती है 1,00,000. आपको कितनी दिखानी पड़ेगी? 1 lakh is your expense or 1,20,000 is your expense? 1,20,000. 20,000 देना बाकी है, वो भी दिखाना पड़ेगा आपको simultaneously. Okay? क्यों दिखाना पड़ेगा? Again, due to this going concern, we are dividing the periods into smaller parts. तो एक साल के पीरियड में हम लोग खाली 1 साल का इनकम और 1 साल का एक्सपेंस दिखाते हैं. ओके? 1 साल का इनकम और सामने 1 ही साल का एक्सपेंस. तो जितना एक्सपेंस इनकर हुआ है पूरा दिखाना है, जितना इनकम अर्न किया पूरी दिखानी है. दिस इज डाउन ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट. ये मैचिंग कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट, दे गो हैंड इन हैंड. 1 साल की इनकम, 1 साल का एक्सपेंस, ये बोलता है मैचिंग कंसेप्ट. अभी 1 साल के एक्सपेंस में कितना पे किया वो कि इनकर किया वो? तो इनकर किया वो, पे किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ज्यादा किया तो भी ज्यादा नहीं दिखा सकते, कम किया तो भी कम नहीं दिखा सकते. ज्यादा है तो प्रीपेड करके हटा दो, शो इट एज योर एसेट. कम है तो पेएबल करके दिखा दो, शो इट एज योर एडिशनल एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर. सो दैट कंसिस्टेंसी इज मेंटेन, साल दर साल आप प्रॉफिट को कंपेयर कर सको. ये सब कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ हजारों शेयर होल्डर जुड़े होते हैं. तो उनका साल दर साल प्रॉफिट कंपेरिजन, हर 3 महीने प्रॉफिट कंपेरिजन चालू होता है. तो कंपेयर कैसे कर पाओगे? अगर आप 3 महीने का इनकम और 3 महीने का एक्सपेंस लोगे तो ही, 6 महीने का इनकम 6 महीने का एक्सपेंस लोगे तो ही. ऐसा नहीं कर सकते 6 महीने का इनकम और 12 महीने का एक्सपेंस, मिसमैच नहीं कर सकते. तो प्रॉफिट कंपैरिजन विल बी ऑल वेक, डिसीजन मेकिंग विल नॉट बी पॉसिबल. कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन से कंपनी को लोन देना है, कौन से कंपनी में गवर्नमेंट आके तुम्हारा टैक्सेशन लाइबिलिटी जो चेक करती है साल दर साल, उसको भी कंपेरिजन चाहिए. तो रिमेंबर दिस, योर 3 concepts. गोइंग कंसर्न स्टेट्स दैट बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर लॉन्ग. पीरियोडिसिटी उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स एंड लॉस. पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से आपको 1-1 साल का इनकम एक्सपेंस दिखाना जरूरी होता है फॉर कंपैरिजन ऑब्वियसली. और 1-1 साल का इनकम एक्सपेंस दिखाने के लिए आपको अक्रूवल फॉलो करना पड़ेगा, एक्सपेंस ऑन इनकम ऑन अर्नड बेसिस और इनकर्ड बेसिस दिखाना पड़ेगा. साइमल्टेनियसली प्रीपेड और रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज ड्यू टू मैचिंग. ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ज्यादा एक्सपेंस है तो प्रीपेड उड़ा दो, कम है तो रिसीव्ड इन एडवांस इनकम, सॉरी कम है तो आउटस्टैंडिंग करके बता दो. ऑन द इनकम साइड अगर प्री रिसीव्ड है तो हटा दो, रिसीवेबल है तो ऐड करके दिखाओ. सब कुछ 1 साल का इनकम और 1 साल आने के लिए होता है. समझ आई बात? इवन इन केस ऑफ एनजीओज एंड एनपीओज विच यू हैव डन, यू डिवाइड द एंट्रेंस फीस इनटू कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. रिमेंबर, व्हाई डू यू डू दैट? कैपिटल रिसीट मतलब लमसम है, वन टाइम आया है, हर साल नहीं आएगा. रेवेन्यू मतलब हर साल आने वाला है. तो रेवेन्यू वाला आपकी कंसिस्टेंसी को अफेक्ट नहीं करेगा, कैपिटल वाला कर देगा. लमसम वाला आइटम्स यू शो इट अंडर बैलेंस शीट, फ्यूचर एडवांटेजेस एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशन इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. जो 1 साल वाला इनकम एंड एक्सपेंस है, हर साल रिकरिंग होने वाला है, कंसिस्टेंट रहने वाला है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंस. ऑल फॉर कंपेरिजन, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कंपेरिजन. कंसिस्टेंसी रहेगी तो कंपेरेबिलिटी रहेगी, हर साल आप प्रॉफिट्स को कंपेयर कर पाओ.
तो अक्रूवल सिस्टम वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एनी कंपनी. प्रैक्टिकली सोल और पार्टनरशिप के लिए ये कंसेप्ट नहीं है इंपॉर्टेंट. आप जब सीए करोगे, ऑडिट करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, आपको खुद को देखने मिलेगा. सोल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए ये अक्रूवल कंसेप्ट भी नहीं है, ये मैचिंग कंसेप्ट भी नहीं है. रोकड़ा कंसेप्ट है. कैश बेसिस पे आप अकाउंट्स मेंटेन करके दिखा सकते हो. कैश आया रिकॉर्ड करो एज योर इनकम, कैश गया रिकॉर्ड एज योर एक्सपेंस, स्टोरी ओवर. अगला पिछला को देखने, क्योंकि उनको कंपैरिजन का खास जरूरत पड़ता नहीं. कंपैरिजन की खास जरूरत कंपनीज को पड़ती है. कंपनीज में ये कंसेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने तीन कंसेप्ट बताए थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. ग्लोबली हर एक कंट्री में सेम कंसेप्ट. कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ, कंपैरिजन के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी के लिए अक्रूवल चाहिए, और गोइंग कंसर्न इन सबका माई बाप. क्योंकि ओवर द लाइफ यू डिवाइड द स्पैन ऑफ बिजनेस इनटू सूटेबल इयर्स. इज दैट क्लियर? बोलो इसमें कोई डाउट्स? व्हाट इज अक्रूवल, व्हाट इज कैश? कैश और अक्रूवल का डिस्टिंक्शन क्लियर है आपको पक्का एकदम? जो हमने एनपीओ में बहुत भर भर के किया है, रिसीट पेमेंट बनाते वक्त रोकड़ा, रोकड़ा आया रोकड़ा गया, और इनकम एक्सपेंडिचर एंड पीएनएल बनाते वक्त अक्रूवल, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिसीवेबल रिसीव एडवांस ऐड करके ईयर ऑन ईयर इनकम एक्सपेंस मैच करके प्रॉफिट लॉस ढूंढना है. कंफर्टेबल? तो ये कंसेप्ट आज आपको पढ़ने हैं. चार कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, मैचिंग, पीरियडिसिटी आपको सीएम है, तो वो पार्ट ही है मैचिंग का, सब डिविजन है. तो इतना आपको रीड करना है. कौन सा? गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, मैचिंग एंड दैट्स इट. इतना ही किया ना मैंने डिस्कस. पीरियडिसिटी तो है नहीं. पीरियडिसिटी है देखना, अगर शायद नहीं है मेरे को, है तो पढ़ लेना. तीन तो पढ़ लेना अच्छे से. विल कंटिन्यू विद द मोर कंसेप्ट. ये चार मार्क का क्वेश्चन आपको कोई भी दो कंसेप्ट तीन कंसेप्ट पूछ सकते हैं. दो तीन लाइन यू शुड बी एबल टू राइट, दैट्स इट इन योर ओन वर्ड्स. So just read it once if you still have